चेक 1 2 3 एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। यस ऑडियो वीडियो कंफर्म करो। यस ओके ऑल परफेक्ट। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं द थ्योरी सेशन। यस चलो सो यस आई थिंक सब क्लियर है। थैंक यू ऋत्विका टू एवरीबॉडी गुड डे अहेड। चलो परफेक्ट है ना ऑडियो और वीडियो और कोई टेंशन नहीं है ना कंफर्म कर देना सो दैट वी कैन जस्ट स्टार्ट क्विकली। थैंक यू सो मच नैनी। यस संदेश यस प्रथम ओके ओके जी जी तू यस एंड आई एम श्योर यू ऑल गाइज विल डू वेरी गुड इन योर एग्जामिनेशन जस्ट स्टे फोकस्ड एंड यस जी। चलो सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं सिक्योरिटाइजेशन के पास साथ। जिसके पास भी मैजिक बुक है वेल एंड गुड आप अपना मैजिक बुक ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास मैजिक बुक नहीं है देन इन दैट केस आप आपका मॉड्यूल ओपन कर सकते हैं बिकॉज एंड ऑफ द डे मैजिक बुक बना मॉड्यूल से ही है तो आप लोगों को उस चीज का फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट गाइज चलो सो पहले सिक्योरिटाइजेशन लेंगे एंड देन धीरे 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 करके सारे चैप्टर्स लेते जाएंगे। मैं उसको क्विक लेवल पे पढ़ाऊंगा। सो व्हेन आई से क्विक लेवल आई विल नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। मुझे चाहिए कि एग्जाम के पहले आप लोग ये वीडियो एटलीस्ट 3 बार देख लो सो दैट यू बिकम कॉन्फिडेंट फॉर थ्योरी लेक्चर्स। दैट्स द इंटेंशन राइट एम आई राइट। आप लोग को क्या लगता है सही वैसे ही रखना चाहिए ना। परफेक्ट सो विल ट्राई टू रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल एंड एट द सेम टाइम विल ऑल ट्राई टू कवर मेजोरिटी थिंग्स एज वेल। ग्रेट परफेक्ट चलो डन ग्रेट गुड नंबर्स जॉइनिंग इन अक्षिता वेलकम पूजा हरकिरण कौर हाउ आर यू। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके सर नमस्ते आदाब सत श्री अकाल मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया स्वागत है आपका इस नए सेशन में इन सीए फाइनल के सारे थ्योरी चैप्टर्स लेट द गेम बिगिन। सो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड हर
अटेम्प्ट में इसमें से देर इज अ 5 to 6 मार्क्स गारंटीड. सो वी शुड एंश्योर दैट ये 5 to 6 मार्क्स जो अपने को मिल रहा है वो पूरा का पूरा अपने पॉकेट में होना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद सिक्योरिटाइजेशन. बिफोर आई स्टार्ट विद सिक्योरिटाइजेशन उसका एक प्रोसेस समझ लेते हैं, बिकॉज अगर प्रोसेस समझ लिया देन इन दैट केस ये सारी चीजें अपने लिए काफी ईजी हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस क्विकली. तो सिक्योरिटाइजेशन में बात कुछ ऐसी होती है कि से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोन चाहिए तो से मिस्टर ए और मिस्टर ए जैसे और बहुत सारे जन है, तो मिस्टर ए टू मिस्टर जेड ये सारे के सारे लोग जाते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए. बैंक का काम ही है लोन देना, तो ऑब्वियसली इट विल गिव लोन टू ऑल ऑफ दीज पीपल. जैसे ही ये लोगों को बैंक लोन दे देता है दे ऑब्वियसली स्टार्ट देयर वर्क जिसके लिए भी लोन दिया है. अभी ये लोन बहुत सारी चीजों के लिए होता है, कभी कभी कोई होम के लिए लोन लेने आता है, कोई कार के लिए लोन लेने आता है, कोई बिजनेस के लिए लोन लेने आता है. जो भी लोन देता है लोन लेता है वो अपना कुछ ना कुछ चीज मॉर्गेज या गिरवी रखता है. से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई होम के लिए लेने आया देन इन दैट केस वो प्रॉपर्टी पेपर्स देके जाएगा. अगर वो कार के लिए लेने आया है देन इन दैट केस वो कार का पेपर्स देके जाएगा. अदरवाइज कोई बिजनेस का है तो बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप देके जाएगा. इन दैट वे एवरीबॉडी गिव्स देयर पेपर्स टू दिस बैंक. अब इस बैंक के पास थे टोटल देने के लिए 500 crores एंड वो सारे के सारे 500 crores मिस्टर ए टू जेड में एबीसी बैंक ने दे दिए. नाउ बिकॉज एबीसी बैंक हैज गिवन ऑल द मनी दैट दे हैव एज देयर लोन्स. अब और अगर कोई उनके पास आ रहा है अभी ए टू जेड के बाद ए बी बी सी सी डी डी ऐसे लोग भी आ रहे हैं भाई, लोन मांगने वालों की कमी नहीं है एंड बैंक का तो काम ही है लोन देना. उसके जो इंटरेस्ट आता है वही उनका रियल इनकम है. सो यहाँ पे बैंक स्टक हो गया एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद द बैंक्स वर्ल्ड ओवर. उन्होंने बहुत सारा लोन दिया बट ये जो उन्होंने लोन दिया ना उसके सामने उसके सामने अब वो लोग के पास पैसा खत्म हो गया एंड दे वर स्टक. अब आज वो बैंक को लगता है कि यार हम लोग के पास इतने सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स है, इतने सारे कार के पेपर्स है, होम के पेपर्स है, बिजनेस के पेपर्स है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू गिव देम एनीथिंग, गिव द न्यू पीपल एनीथिंग एज अ लोन. मतलब क्या हो गया पता है, एसेट्स मेरे पास दुनिया भर के बट सारे के सारे इलिक्विड एसेट्स हो गए हैं. क्यों? क्योंकि ये खाली पेपर्स के फॉर्म में है. जो रियल मनी के फॉर्म में वो तो हम लोग ने दे दिए जो लोन होल्डर्स है एंड दैट इज वेयर द मेन ब्रेन चाइल्ड ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टेड. यहाँ पे फील होना चालू हुआ बैंक्स को दैट वी आर गेटिंग स्टक इन दिस फील्ड के भाई हमारे पास 500 करोड़ वर्थ है बट वी आर नॉट एबल टू गिव एनीथिंग टू द पीपल हु वॉन्ट मनी फ्रॉम अस. एंड दैट इज वेयर फिर बाद में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आए और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने अपना दिमाग लगाना चालू किया और उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा करो, ये जो प्रॉपर्टी के जो पेपर्स है ना ये एक आप ही की एंटिटी क्रिएट करो, उसको नाम दो SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल. सो से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बना दिया HDFC SPV. तो ये HDFC SPV के पास ये सारे के सारे पेपर्स दे दो. हाँ दे दिए फिर क्या. हाँ फिर बाद में ये जो SPV है ना ये एक बॉन्ड इशू करेगा. अरे बट ऐसे कैसे कोई हमारे को पैसा दे देगा बताते हैं. अब ये बॉन्ड जब इशू करेगा ना तो कोई फाइनेंसर आएगा या इन्वेस्टर आएगा. इन्वेस्टर को तो इन्वेस्ट ही करना है बराबर है, जैसे लोन वाले को लोन लेना है वैसे इन्वेस्ट वाले को इन्वेस्ट करना है. तो यहाँ पे ये इन्वेस्टर बोलता है कि हम लोग ये बॉन्ड लेने को रेडी है बट व्हाट इज द सिक्योरिटी दैट वी हैव. तो यहाँ पे SPV बोलते हैं अरे इन्वेस्टर टेंशन मत ले, हम तेरे को 500 करोड़ का जितने का भी बॉन्ड दे रहे हैं ना उतने का सामने सिक्योरिटी दे रहे. इन्वेस्टर बोलते हैं अच्छा ये सिक्योरिटी सही है क्या. तो यहाँ पे इस ये सिक्योरिटी सही है कि नहीं ये जज करने के लिए द SPV अपॉइंट्स अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका काम ही यही है टू चेक कि भाई प्रॉपर्टी के पेपर्स है, जो लोन के पेपर्स है, बिजनेस के कार के पेपर्स है वो बराबर है कि नहीं. अब इन्वेस्टर ने इस बॉन्ड इशू में इन्वेस्ट कर दिया, यस सर. SPV ने उसको प्रॉपर्टी के पेपर्स एज अ सिक्योरिटी दे दिया, यस सर. इस SPV के पास मनी आ गया. कहां से आया ये मनी? बॉन्ड इशू करके. तो बॉन्ड इशू किया तो पैसा आया. ये पैसा उसने किसको दे दिया? अपने पेरेंट एंटिटी HDFC बैंक को. HDFC बैंक ने ये इनलिक्विड एसेट से इस लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर दिया और बैंक के पास और 500 करोड़ का लोन आ गया और जो पब्लिक था AA to ZZ ये लोगों को और लोन मिल गया. Everybody is happy. इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना था, उसको इन्वेस्ट करने के लिए एक बॉन्ड्स इशू हो गया, बराबर है, अब उसको टेंशन नहीं है. प्लस
ये जो बॉन्ड्स है वो सिक्योर्ड बॉन्ड्स है बिकॉज ऑल ऑफ दिस आर सिक्योर्ड बाय द प्रॉपर्टी। एसपीवी का काम था मनी जनरेट करना अपनी मेन एचडीएफसी बैंक पेरेंट एंटिटी के लिए, एसपीवी ने वो जनरेट कर दिया। बैंक्स को चाहिए था कि यार हमारा ये इलिक्विड एसेट्स लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट हो जाए और हमारे पास रियल मनी आ जाए, ताकि जिसको और लोन चाहिए, हम लोग उसको लोन दे चुके, वो भी हो गया। एंड दैट इज हाउ द सिक्योरिटाइजेशन सिस्टम वर्क्स। ये सब फैसिलिटेट करने के लिए, ये सब का जो ब्रेन चाइल्ड है दैट इज ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो यहां पे जब वो इन्वेस्टमेंट बैंकर ने सोचना चालू किया, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर इज अ पर्सन जो दोनों से कनेक्टेड है, बैंक से भी कनेक्टेड है और जो इन्वेस्टर है उससे भी कनेक्टेड है। सो ही नोज कि भाई चलो दो पार्टीज है, लेट्स मेक देम मीट एंड द होल सिस्टम वर्क्स अप। क्या आप लोगों को सब समझ में आ गया हाउ दिस होल सिस्टम इज वर्किंग? इसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। अब आ जाओ अपने मेन फंडा के ऊपर, देखो फटाफट स्मूथली हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स क्या? क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स फ्रॉम द इनलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। अभी लॉजिकली जब ये एग्जाम्पल को मैं कनेक्ट करते जा रहा हूं, मुझे समझते जा रहा है दैट ये जो मेरा इनलिक्विड एसेट्स था उसका मैंने एक पूल बना के एसपीवी को दे दिया, सच एज रिसीवेबल्स लोन्स विच आर मार्केटेबल। इन अदर वर्ड्स इट इज द पैसेज प्रोसेस ऑफ। अब हम लोग ने क्या किया, ये जो लोन या प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, कहना इसे इसको रीबंडलिंग किया, रीपैकेजिंग किया और इसको एक सिक्योरिटी बना दिया फॉर द बॉन्ड्स टू बी इशूड, जिससे पैसा मिल जाए। सो यहां पे क्या बोला है, देखो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीपैकिंग और रीबंडलिंग ऑफ इनलिक्विड एसेट। इनलिक्विड एसेट को ऐसा रीपैकिंग किया इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दीज एसेट्स कैन बी ऑटोमोबाइल लोन्स, कार्ड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्यूचर रिसीवेबल्स। तो क्या किया, इसको ऐसा पैकेज किया रीबंडलिंग ऑफ इनलिक्विड एसेट्स और उसको एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल कर दिया विद इंटरेस्ट। क्लियर? सो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर बाद में आ जाते हैं फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, क्या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ है? यस। इन्वेस्टर को बॉन्ड्स मिल गया है, बैंक्स को लोन देने के लिए फंड्स मिल गया है, किसी और को लोन चाहिए उसको और पैसा मिल गया है। क्या बात है, तीन फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो गए सिक्योरिटाइजेशन की वजह से। बंडलिंग एंड अनबंडलिंग हुआ है, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स, कार के पेपर्स, बिजनेस के पेपर्स, ये सब एक थे, अब उसको अनबंडल किया, प्रॉपर्टी के पेपर्स अलग किए, कार के पेपर्स अलग किए, फिर बाद में जो होम लोन के पेपर्स थे वो अलग किए, बिजनेस के पेपर्स अलग किए। अब इसमें रेटिंग्स अलग अलग होता है। अब देखो आप लोग ने अगर देखा होगा तो मैंने यहाँ पे एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट किया है, तो उसने रेटिंग देना चालू किया कि भाई ए रेटिंग वाले हैं, बी रेटिंग वाले हैं, सी रेटिंग वाले। तो ए रेटिंग वालों को एक जगह पे पूरा रेडी किया, बी रेटिंग वालों को दूसरी जगह पे, सी रेटिंग वालों को तीसरी जगह पे। जो सी रेटिंग वाले वो ऐसे इन्वेस्टर को भेजा जिसको ज्यादा रिस्क चाहिए और ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो लोग को सी वाला अपन लोग ने एज अ सिक्योरिटी दिया। समझ में आया तुम लोगों को? सो दैट इज द वर्क ऑफ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो उसने क्या किया, एसेट्स कंबाइंड इन वन पूल बंडलिंग एंड देन ब्रोकन इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड डिनोमिनेशन, और वो कर दिया हम लोग ने अनबंडलिंग। फिर इट वॉज यूज एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप लोग नोट करोगे तो एवरीबडी हैज अ विन विन सिचुएशन। अब किसी के लिए भी कोई तरह का रिस्क नहीं है, स्ट्रक्चर्ड वे में फाइनेंसिंग हो गया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मेड एज पर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। जिस भी इन्वेस्टर को ज्यादा रिस्क चाहिए, चल तेरे को सी बॉन्ड वाला हम लोग सिक्योरिटी इशू कर देंगे, जिसको कम रिस्क चाहिए, कम रिटर्न चाहिए, उसको ए वाला कर देंगे। ट्रेंचिंग पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट रिसीवेबल स्प्लिट इनटू वेरियस पार्ट्स एंड जो सिमिलर नेचर का है उसको टुगेदर किया, जैसे मैंने बोला ए रेटिंग वाले साथ में, बी रेटिंग वाले साथ में, सी रेटिंग वाले, एंड दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क। तो फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन अगर मेरे को एग्जाम में आता है तो ये छह पॉइंट मेरे को लिख कर आने। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तीन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेरे क्रिएट हो गए, एक एसपीवी के थ्रू कैश क्रिएट हो गया, एक बैंक्स को लोन देने के लिए कैश मिल गया, फिर बाद में जो इन्वेस्टर था उसको इन्वेस्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी मिल गया, दूसरा बंडलिंग एंड अनबंडलिंग किया, रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह हो गया, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस क्रिएट हो गया, स्ट्रेंचिंग हो गया, होमोजेनिटी साथ में वाले को सब लोग को एक कर दिया। सो ये अपना पॉइंट्स हो गया। वेरी गुड नैनी दोषी। सो अगर तुम लोग भी यहाँ पे समझते जा रहे हो तो फटाफट मेन मेन पॉइंट्स लिखते जाओ, तो थियोरी तुम लोगों को भी याद होते जाएगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। फिर बाद में आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। क्या बेनिफिट हुआ क्या? द आंसर इज येस, इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ देम। कौन लोगों के लिए? ओरिजिनेटर के लिए भी विन विन सिचुएशन है, इन्वेस्टर के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है। ओरिजिनेटर के लिए कैसे विन विन सिचुएशन है तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहला ये ओरिजिनेटर कौन है, तो ये है हमारा ओरिजिनेटर जो एचडीएफसी बैंक है ना बेटा, उसको बोलते हैं ओरिजिनेटर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं तुम लोगों के लिए, एचडीएफसी बैंक इज द ओरिजिनेटर, क्योंकि ये अगर इनिशिएटिव नहीं लेगा, ये ओरिजिनेट नहीं करेगा सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस,
तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहला है ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर ने किया ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। सो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या होता है, तो बैलेंस शीट में जो मेरे इन लिक्विड एसेट्स थे अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ऑफ बैलेंस शीट चीजें फाइनेंस हो गई है। स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, अब आप बाकी सब अपना अपना मेन बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसके एचडीएफसी बैंक ने एक एसपीवी क्रिएट किया सो दैट इट कैन फोकस ऑन इट्स मेन बिजनेस, इंप्रूव्स फाइनेंशियल रेशियो, बिकॉज अभी आपका बैलेंस शीट अफेक्ट भी नहीं हुआ और आपके पास 500 करोड़ आ भी गए, एंड रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट, बिकॉज अब क्या होगा, आप जो इन्वेस्टर है उसको थोड़ा कम रिटर्न दोगे, आप जिसको लोन दे रहे हो उससे ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, तो जिसको आप लोन दे रहे हो उससे ज्यादा इंटरेस्ट लिया, से 9% का इंटरेस्ट लिया, जिसको आप लोन दे रहे हो उसको 8% का इंटरेस्ट दिया, वो जो 1% है वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका स्प्रेड है। तो ओरिजिनेटर इज वेरी हैप्पी, उसका ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी हो गया, उसके रेशियोज भी अफेक्ट नहीं हुए, इंप्रूव हो गए, स्पेशलाइजेशन कर सकता है वो मेन बिजनेस में, क्योंकि अब ये सब काम एसपीवी कर रहा है, एंड आपका बोरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो गया, इनफैक्ट आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है, एक स्प्रेड मिल रहा है ओवरऑल बेसिस पे। देन कम्स द इन्वेस्टर, या इन्वेस्टर का काम क्या है, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन हो गया क्योंकि उसको और एक एवेन्यू मिल गया इन्वेस्ट करने के लिए, अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी है वो उसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट मिलेगा, बिकॉज ऑल ऑफ दी सिक्योरिटीज आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू ऑथोराइज है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट इंश्योरेंस अग्रीमेंट आ जाता है इसमें, कई भी रेगुलेटरी भी मैनेज है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट भी है, इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट देन ओरिजिनेटर शैल मेक गुड, कैसे, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज दैट इट हैज। सो यहाँ पे ओरिजिनेटर भी खुश है, यहाँ पे इन्वेस्टर भी खुश है, ओरिजिनेटर को ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग स्पेशलाइजेशन मिल गया, स्ट्रक्चर्ड वे में सब चीजें फाइनेंस्ड हो गई है, फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव हो गए, बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पे मेरा अच्छा हो गया है, तो मेरा प्रॉफिट उससे बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर के एंगल से अगर सोचोगे तो उसके लिए एक इन्वेस्टिंग के लिए एवेन्यू मिल गया है, तो डाइवर्सिफाई हो गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इट इज वर्किंग, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन आर डन टू बोथ ऑफ देम। फिर बाद में आता है मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली यही है जो मैंने तुम लोगों को अभी एक्सप्लेन किया था, बट उसका खाली एक बार हेडिंग्स देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, सबसे पहले पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट हो गया मेरा अपना, यस ये प्रॉपर्टीज बिजनेस का पेपर सब एक पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट हो गया, फिर हम लोग ये अपने पास रखेंगे क्या, नहीं, ये हम लोग इमीडिएटली ट्रांसफर कर देंगे एसपीवी को, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये भी अपन लोग ने देखा, फिर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगी, सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर्स ताकि उसको पैसा मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स जो भी उसके पास एसेट्स का पेपर्स है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो रिकोर्स टू ओरिजिनेटर होना चाहिए, ठीक है ना, से फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेस्टर को रेगुलरली इंटरेस्ट नहीं गया तो ये जो इन्वेस्टर है ये तो एसपीवी को बोलेगा, एसपीवी शुड हैव अ रिकोर्स टू ओरिजिनेटर कि भाई ठीक है हमारा प्रॉब्लम नहीं हम इसको मैनेज करवाएंगे, बट थ्रू द ओरिजिनेटर विच इज द मेन एचडीएफसी बैंक। रीपेमेंट ऑफ फंड्स, जितना आप टाइम पे रीपेमेंट ऑफ फंड्स होते रहेगा उतना ऑल द पीपल विल बी हैप्पी, मतलब जो मेन पर्सन है जिसने स्टार्टिंग में लोन लिया था और अपने को प्रॉपर्टी का पेपर्स दिया था वो अगर टाइम टू टाइम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे करेगा तो एसपीवी को भी मिलेगा, एंड एसपीवी विल इन टर्न गिव इट टू द इन्वेस्टर, एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वाज आल्सो डन, सो दैट इज आल्सो अ सिक्योरिटी, डबल सिक्योरिटी दैट वी हैव। कौन कौन पार्टिसिपेंट है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना। सो सबसे पहला क्या है मेरा ओरिजिनेटर, सबसे पहला कौन है मेरा ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर कौन होता है, एचडीएफसी बैंक जिसने ये लोन दिया है, फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएटेड फॉर इंश्योरिंग कि सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंड द इन्वेस्टर, बिकॉज अगर जब तक इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा तब तक ना एसपीवी को ना रियल बैंक को ओरिजिनेटर को पैसा नहीं मिलेगा। बट सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, सबसे पहले मेरे हिसाब से सेकेंडरी पार्टिसिपेंट पे आता है ओबलाइजर, कौन है सर, तो यहाँ पे ये जो मिस्टर ए है ना बेटा ये है हमारा ओबलाइजर, जिसके थ्रू ये कहानी पूरी स्टार्ट हुई है वो है ओबलाइजर। फिर बाद में सेकेंड आता है अपना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर प्रॉपर बंडिंग एंड अनबंडिंग नहीं करेगा तो अपने बॉन्ड्स प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, एंड वी विल नॉट बी एबल टू सेल इट टू द इन्वेस्टर। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट्स का काम होता है टू जो ये बीच में जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट कलेक्ट करके इन्वेस्टर को अपने को देना है। क्रेडिट एनहेंसर, अगर और क्रेडिट गारंटी चाहिए इन्वेस्टर को, सो देर कैन बी अ क्रेडिट एनहेंसर ऑल्सो। स्ट्रक्चर ये है अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर गाइस,
तो ये जो अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसको प्यार से स्ट्रक्चरर भी बोलते हैं। एंड लास्ट इज एजेंट और ट्रस्टी। ये सब पूरा मैनेज कौन करेगा कि चीजें ट्रांसपेरेंटली हो रही है कि नहीं? करेक्ट, एजेंट या ट्रस्टी अपन लोग अपॉइंट कर लेंगे। उसका काम है टू सी द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अगला आप लोग नोट करोगे तो प्रोसेसेस हो रहे हैं। एचडीएफसी बैंक अपना सारा का सारा पेपर्स एसपीवी को दे रहा है, तो ऐसे ही नहीं दे देगा वो, ये चलाना ये ले तेरा सब पेपर्स हो गया, नहीं। देयर इज अ अग्रीमेंट व्हिच विल हैपन बिटवीन द बैंक एंड द एसपीवी। इस अग्रीमेंट में एक एक चीज लिखी जाएगी, एक एक पेपर का, डॉक्यूमेंट का, एक एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ये सब मैनेज कौन करेगा? ट्रस्टी। फिर बाद में एसपीवी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करेगा, तो ये पेपर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को दिया जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल गो थ्रू इट, फिर वो देखेगा कि हाँ बराबर है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कौन सा। तो ये सब चीजें जो हो रहा है ना, एक प्रोसेस हो रहा है। इसको कौन देखने ही वाला, कोई तो चाहिए सर, वो ही तो है हमारा ट्रस्टी। तो कौन है प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में, कौन कौन है? सबसे पहला प्राइमरी पार्टिसिपेंट है ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर इज द मेन बैंक। फिर बाद में वो एसपीवी को देगा, तो एसपीवी इज द स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल विल मेक इट इनटू अ सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड एंड इंस्ट्रूमेंट एंड गिव इट टू द इन्वेस्टर। तो यहाँ पे ये तीन प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी में मेरे पास कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आता है मेरा ऑब्लाइजर, जो मेन पर्सन जिसने स्टार्टिंग में अपने को लोन दिया था। फिर आती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फिर आता है स्ट्रक्चर, जो अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर है। क्रेडिट एनहेंसर चाहिए तो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, एंड ट्रस्टी इज द सिक्स्थ पर्सन। तो ये टोटल सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स मेरे आ जाते हैं। आई होप वी आर क्लियर। फिर आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट के ऊपर, विच इज प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन। सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी। अब सब जब एचडीएफसी बैंक ने फर्स्ट टाइम लोन लिया तो एक अग्रीमेंट बना रहेगा स्टैम्प ड्यूटी पे करने का। एचडीएफसी बैंक और एसपीवी में भी एक अग्रीमेंट बनेगा स्टैम्प ड्यूटी पे करने का। एसपीवी और जो इन्वेस्टर है उसमें भी एक अग्रीमेंट बनेगा स्टैम्प ड्यूटी पे करने का। सो स्टैम्प ड्यूटी गोज अप टू इवन 12%। तो एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर हम लोग सिक्योरिटाइजेशन में स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, देन द बैंक विल बी डिस्करेज टू डू इट, बिकॉज आप जितना कमाओगे ना उतना ज्यादा तो आप प्रोसेसिंग फीस दे दोगे। सो वो एक प्रॉब्लम है। फिर है टैक्सेशन। टैक्सेशन का सिस्टम अभी तक क्लियर नहीं है सिक्योरिटाइजेशन को, कि भाई व्हाट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर्स एंड व्हाट नॉट। भाई एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी एसपीवी को अगर दिया है सब पेपर, दैट इज नॉट, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर, बिकॉज अदरवाइज तो बहुत ज्यादा कैपिटल गेन इंप्लीकेशन आ जाएगा। सो टैक्सेशन पॉलिसीज शुड बी प्रॉपर। इन एडिक्वेट डेट मार्केट। इंडिया का डेट मार्केट इतना बड़ा है ही नहीं कि सिक्योरिटाइजेशन का इतना बेनिफिट हो। अकाउंटिंग शुड बी प्रॉपर। अभी तक अकाउंटिंग पॉलिसीज इंडेस और ये सब आए नहीं है सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड। इन इफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज। सपोज अगर किसी को जल्दी प्रीपे करना है तो फोरक्लोज कैसे कर सकते हैं और कितना ज्यादा पेनल्टी पे करना है, वो सब चीजों का अभी तक क्लैरिटी नहीं है इंडिया में। एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज डेट मार्केट इतना इंडिया में डेवलप नहीं है तो सिक्योरिटाइजेशन इतना ज्यादा नहीं होता है, तो उसकी वजह से एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। समझ में आ गया? सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन, ये भी कम से कम 10 बार इंस्टीट्यूट ये सेम क्वेश्चन पूछ चुका है, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। क्या क्या है? सबसे पहले टैक्सेशन का इंपैक्ट, स्टैम्प ड्यूटी का इंपैक्ट, इनएडिक्वेट डेट मार्केट, फोरक्लोजर लॉज, इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड अकाउंटिंग। अगर ये छह के छह चीजें अपन लोग ने प्रॉपरली मैनेज कर ली, देन इन दैट केस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इन मैनेजिंग सिक्योरिटाइजेशन। अगेन क्या क्या? इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज अच्छा होना चाहिए, अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग पॉलिसीज आना चाहिए इंडेस और वो सबका, टैक्सेशन प्रोविजन शुड बी वेरी क्लियर, स्टैम्प ड्यूटी डबल डबल बार नहीं लगना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉस। सो आई होप ये अपना प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन भी क्लियर हो गया होगा। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। सो सी, जो ओरिजिनेटर है ही हैज टू अर्न अ स्प्रेड, जो इन्वेस्टर है ही हैज टू अर्न अ मार्केट रिटर्न, जो भाई मार्केट में अगर वो बॉन्ड इशू होता तो उसको कितना कैश फ्लोज मिलता है उतना उसको चाहिए। ओरिजिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इन्वेस्टर्स कैन बी प्राइस एट अ रेट विच हैज टू इंकर an outflow, and if that outflow can be amortized over a period of time by investing through securitization. In short, कितना मैं outflow जा रहा है, कितना inflow आ रहा है, वो properly मेरे को manage करके decide करना चाहिए कि कितना rate of interest उसको charge करना है. And then there is a from investors angle. तो investors angle से भाई कितना बेस्ट प्राइस पे उसको ये सिक्योरिटी मिल सकता है, बेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर, बेस्ट रिटर्न के ऊपर उसको मिल सकता है, दैट विल बी द इन्वेस्टर्स एंगल। फिर बाद में आते हैं सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट तीन तरह के होते हैं, एक होता है पीटीसी, एक होता है पीटीएस और एक होता है स्ट्रिप सिक्योरिटीज। पीटीसी का मतलब होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट। अगर आप लोग ने आरटीपी ऑफ May 24 देखा है, देन इन दैट केस उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो ये सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर ही है, उसमें यहाँ का बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है, तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। सो सबसे पहले है मेरा पीटीसी, जिसको बोलते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट। इसमें बहुत क्लियर है दैट आपके पास जो ओबलाइजर है उसके पास से जो भी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आ रहा है वो एचडीएफसी बैंक को आएगा। एचडीएफसी बैंक पूरा का पूरा वो एसपीवी को ट्रांसफर कर देगा। एसपीवी विल गिव ऑल ऑफ दैट
एज अ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बीच में कुछ नहीं रखा, जो भी आया ऑब्लाइजर से ओरिजिनेटर के पास एसपीवी टू इन्वेस्टर उसको बोलते हैं पास थ्रू। और फिर बाद में होता है पीटीएस, पे थ्रू सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, बीच में देयर इज अ मीडिएटर। इस मीडिएटर को यहां पे ये जो मीडिएटर है जैसे एसपीवी या स्ट्रक्चरर, दे विल गिव अहेड टू द इन्वेस्टर ओनली द अमाउंट ड्यू। तो अगर आपके पास कुछ एक्सेस कैश है, यू कैन इन्वेस्ट इट इन द मार्केट एंड अर्न अ मोर रिटर्न एज वेल थैंक्स टू द सिक्योरिटाइजेशन। समझ में आई ये दोनों का मतलब? सो एसेट्स हेल्ड बाय एसपी, जनरेशन ऑफ कैश थ्रू इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ एसेट्स, ये जो भी है, इन्वेस्टर्स गेट प्रोपोर्शनल बेनिफिट बेस्ड ऑन देयर होल्डिंग। तो जो भी उनको मिला है वो सारा का सारा प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल बी गिवन ऑल टू द इन्वेस्टर्स, बट नॉट इन केस ऑफ पे थ्रू सिक्योरिटी। यहाँ पे एसेट्स इज हेल्ड थ्रू द एसपीवी, रीस्ट्रक्चर्ड इन डिफरेंट ट्रांचेस बेस्ड ऑन वेरिंग मैच्योरिटीज ऑफ रिसीवेबल्स। कैश इज जनरेटेड थ्रू इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ एसेट्स एंड इज नॉट पास्ड डायरेक्टली बट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। कैसे? पे टू इन्वेस्टर ओनली व्हेन द इनकम बिकम्स ड्यू एंड सरप्लस कैश इन्वेस्ट इन यील्ड जनरेटिंग सिक्योरिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, सरप्लस कैश इज इन्वेस्टेड इन यील्ड जनरेटिंग एसेट्स। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा कैश है, ये इसी के ऊपर एमसीक्यू भी आया था कि भाई कौन सा मेथड है जिसमें सरप्लस कैश कैन बी इन्वेस्टेड। तो आपके पास से फॉर एग्जांपल 10,000 आया बट आपका ड्यू 8,000 ही हुआ है, तो आप 8,000 ही दोगे, 2,000 सरप्लस कैश है, आप उसको यील्ड जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे इन पीटीएस। बट पीटीसी पास थ्रू सर्टिफिकेट में 10,000 आया, पूरा का पूरा उसको दे दे के नक्की। क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज व्हाट पीटीसी एंड पीटीएस इज। नेक्स्ट इज स्ट्रिप सिक्योरिटी। स्ट्रिप सिक्योरिटीज में आता है इंटरेस्ट ओनली एंड प्रिंसिपल ओनली। तो कुछ सिक्योरिटीज होती है जो इंटरेस्ट ओनली होती है, जो आप लोग ने बॉन्ड्स इशू किए होते हैं ना उसमें कुछ में आप लोग के इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज होती है एंड कुछ होती है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज। तो जिधर से जो आपका पैसा आ रहा है यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई। सो होल्डर ऑफ इंटरेस्ट ओनली रिसीव्स ओनली इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ओनली रिसीव्स ओनली प्रिंसिपल। अगर मार्केट रेट फॉल्स देन आईओ होल्डर गेट्स लेस इंटरेस्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड अगर ये इंक्रीज हुआ देन इन दैट केस इंटरेस्ट ओनली वाला विल गेट मोर इंटरेस्ट। एंड अगर यहाँ पे मार्केट इंटरेस्ट रेट गिरा देन बोरोवर्स रीपे करना चालू कर देंगे एंड जो प्रिंसिपल वाला है उसको ज्यादा प्रिंसिपल मिलेगा। तो जब मार्केट इंटरेस्ट फॉल करता है तो इंटरेस्ट ओनली वालों को कम इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल ओनली वालों को ज्यादा प्रिंसिपल मिल जाता है, बिकॉज नाउ पीपल आर रिडीमिंग देयर सिक्योरिटीज एंड वाइस वर्सा, बोरोवर्स पोस्टपोन द रिपेमेंट इफ मार्केट रेट इंक्रीज। तो चलो इसी के साथ होता है मेरा ये सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी कंप्लीट, जिसमें पीटीसी पीटीएस एंड स्ट्रिप सिक्योरिटी। स्ट्रिप सिक्योरिटीज में दो है, इंटरेस्ट ओनली एंड एट द सेम टाइम प्रिंसिपल ओनली। ठीक है, तो आई थिंक अपना मेजोरिटी अच्छा वाला पार्ट क्लियर हो गया। फिर बाद में आ जाता है एक नया चीज जो इंट्रोड्यूस किया एंड दैट इज कॉल्ड एज रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन। मेरे हिसाब से आप लोगों के एग्जाम में रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। देखो आ गया तो जरूर याद करना, आई थिंक सही है ना, अपना साथ साथ में हो जाएगा। चलो फटाफट एवरीबॉडी, तो ये कर लेते हैं अपन लोग रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन। सो रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स मेजरली। पहला है क्रेडिट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क। अगर काउंटर पार्टी डूब गई, पैसा डूब गया, देन इन दैट केस फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक ने विजय माल्या को, नीरव मोदी को बहुत सारा लोन दिया और अब वो लोग लोन रीपे नहीं कर रहे हैं, देन इन दैट केस पंजाब नेशनल बैंक को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक आगे एसपीवी को नहीं दे पाएगी, एसपीवी आगे जो उसका इन्वेस्टर्स है उसको पे नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। इसमें ओरिजिनेटर की गलती नहीं है, उसका जो काउंटर पार्टी जिसको उसने लोन दिया था वो डूब गया, वो पैसा नहीं दे रहा है। बट एनीवेज एवरीबॉडी हैज टू बैर दैट रिस्क, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर पार्टी रिस्क और क्रेडिट रिस्क। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर बाद में आ जाता है लीगल रिस्क। लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट कई बार इज अनसर्टेन। तो आपको किसी ने अगर घर दिया है मॉर्गेज पे या कुछ दिया है, गाड़ी या बिजनेस मॉर्गेज पे दिया है, बट उसका लीगल ओनरशिप चेक होना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं मार्केट रिस्क के ऊपर, माइक्रो इकोनॉमिक प्री पेमेंट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क है कि अगर ओवरऑल से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ट्रैक्टर की कंपनी को लोन दिया, से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एडटेक कंपनी को लोन दिया और अभी एडटेक कंपनीज का थोड़ा बुरा टाइम चालू है, बायजूस बंद हो रहा है, अकेडमी इज ऑल्सो नॉट डूइंग गुड, देन इन दैट केस आपने जिसको लोन दिया है वो इंडस्ट्री अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, देन इन दैट केस
ऑब्वियसली द पर्सन विल नॉट बी एबल टू रीपे, द ऑब्लाइजर विल नॉट बी एबल टू रीपे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट अस. सो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क. फिर बाद में होता है प्री पेमेंट रिस्क, कई बार ओवर प्री पेमेंट हो जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क. बिकॉज अगर प्री पेमेंट रिस्क, अगर प्री पेमेंट हो गया देन इन दैट केस आपको इन्वेस्टर को इतना जल्दी रिटर्न देना पड़ेगा विच ही मे नॉट बी एक्सपेक्टिंग. प्रिंसिपल के साथ इनवर्स रिलेशन, इन्वेस्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इंटरेस्ट फॉल्स. वेरी नाइस नैनी, वेरी गुड पॉइंट. स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज में याद रखना आईओपीओ, आईओ में इनवर्स, आईओ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पीओ में इनवर्स रिलेशनशिप. नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क के ऊपर आ जाते हैं. इंटरेस्ट रेट मिसमैच भी हो जाता है कभी कभी. बहुत सारे लोन्स है जो आपने फ्लोटिंग रेट पे दिए होते हैं, बहुत सारे लोन्स है जो फिक्स रेट पे दिए होते हैं. अब अगर फ्लोटिंग रेट वाला बहुत बढ़ गया देन इन दैट केस वो मैनेज होना, वो मैच होना, इट कैन क्रिएट टू अ सिचुएशन वेयर पूल ऑफ कैश इनफ्लो एट 100% कलेक्शन इज ऑल्सो मे नॉट बी सफिशियंट. सो दैट इज हाउ द होल रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन रिस्क आर टेकन केयर ऑफ. सबसे पहला क्रेडिट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा है लीगल रिस्क, तीसरा है मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, प्री पेमेंट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क. क्लियर याद रहेगा, एक तो काउंटर पार्टी की वजह से, एक लीगल की वजह से, फिर बाद में एक मैक्रो सिचुएशन ही खराब है, फिर बाद में एक प्री पेमेंट हो गया तो, और एक इंटरेस्ट रेट रिस्क है, वो रहेगा ही रहेगा. नेक्स्ट है, फिर बाद में आ जाता है ब्लॉकचेन. ये एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया है इंस्टीट्यूट ने, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी बता देते हैं ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है. तो एक 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 वहां पे ट्रांजैक्शन जो भी है ना वो एक अपने नोड में रिक्वायर होता है. सो फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजैक्शन, एक ब्लॉक क्रिएट होगा ट्रांजैक्शन का, ब्लॉक सब नोड्स को भेजेंगे, नोड्स ऑथोराइज करेगा, वैलिडेट करेगा, एंड देन फिर बाद में द ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन एंड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली हर बार किया जाएगा. तो सिस्टम क्या है देखो जरा, ब्लॉक चेन सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू बी चेंज्ड, हैक्ड और मैनिपुलेटेड. बिकॉज जो नोड्स है वो अलग अलग, यहाँ पे जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन है तो इट विल बी चेक्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, ओनली देन इट विल बी ऑथोराइज. तो हैक, मैनिपुलेट या चेंज नहीं हो सकता. इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट डुप्लीकेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रांजेक्शन अक्रॉस द नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग इन द ब्लॉकचेन. सो जो भी ट्रांजेक्शन के लिए एक नोटिफिकेशन है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द वेरियस नोड्स, वेरियस नोड्स ऑथोराइज करते हैं, फिर बाद में वो कन्फर्म होता है एंड देन फाइनली द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट. फिर बाद में आ जाता है ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन. सो यहाँ पे क्या वर्क, कैसे वर्क करता है ये. सो अ ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन इज लाइक, सॉरी, सेंडिंग अ मनी टू समवन इज इनिशिएटेड, फिर ट्रांजेक्शन सारे नेटवर्क में जाता है, वो लोग उसको वैलिडेट करते हैं, ट्रांजेक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ ब्लॉक, ब्लॉक इज एडेड टू द ब्लॉकचेन एंड फाइनली ट्रांजेक्शन कंप्लीट. फिर बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, कौन सी इंडस्ट्री में यूज हो सकता है. फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज बैंकिंग में काफी ऑलरेडी यूज हो रहा है 1990 से. हेल्थ केयर, डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, कैन कीप अ लॉट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू दिस. गवर्नमेंट यूज कर रहा है उसको, ट्रैवल इंडस्ट्री कैन यूज एंड इकोनॉमिक फोरकास्टर्स कैन ऑल्सो यूज. सो ये चार पांच याद रखना है, ट्रैवल, इकोनॉमिक फोरकास्ट, बैंक है, फाइनेंस है, गवर्नमेंट है. एंड लास्ट है रिस्क एसोसिएटेड विद द ब्लॉकचेन. सो व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द ब्लॉकचेन. तो ये देखो मैंने येल्लो में हाईलाइट किया है, कौन मैनेज कर रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बैंक कोई लोन दे रहा है तो बैंक का मैनेजर है जो उसको आप यू नो यू कैन मेक इट रिस्पॉन्सिबल. यहाँ पे जो ब्लॉकचेन होता है उसमें तो नोबडी नोज कौन ऑथोराइज कर रहा है, कौन नहीं, कौन से कंट्री से क्या ऑथोराइज हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिस्क इफ नो वन पार्टी इज इन चार्ज, एंड देयरफॉर अकाउंटेबिलिटी नहीं आ पाता है इन अ ब्लॉकचेन सिस्टम. रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, एंड अगर टेक्नोलॉजी डाउन होता है देन इन दैट केस योर होल सिस्टम कैन गो फॉर अ क्रैश. जैसे बीच में हुआ था, देयर वर इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज इन चाइना जिसकी वजह से ब्लॉकचेन काफी अफेक्ट हुआ था. क्रिप्टो करेंसी से कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जनरल आई टी कंट्रोल्स भी कुछ भी नहीं ये लोग ने इंप्लीमेंट किया हुआ है. इन्वॉल्व ह्यूमंगस डेटा गेटिंग अपलोडेड फ्रीक्वेंटली एंड हो सकता है कि कभी अपना भी डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए. फिर बाद में आता है टोकनाइजेशन. सो ये टोकनाइजेशन के भी कुछ पॉइंट्स है, बस अपने को उतना प्रॉपरली ध्यान में रखना है सो दैट वी कैन राइट द आंसर इफ इट कम्स. प्रोसेस, अभी टोकन से फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कहीं पे कभी बाहर लेने गए, चाय कॉफी लेने को गए, तो वो लोग टोकन देते हैं और फिर बाद में चाय कॉफी देते हैं, तो वैसे ऐसा ही कुछ है यहाँ पे. द टोकनाइजेशन सिस्टम इज यूज
इन द ब्लॉकचेन। तो अगर से फॉर एग्जांपल आपको कोई एसेट, इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, देन इन दैट केस देयर विल बी अ टोकन जनरेटेड फॉर यू, यू हैव टू गिव दैट टोकन एंड देन ओनली द ट्रांजैक्शन विल बी इनिशिएटेड एंड कंफर्म। डिजिटली रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग रिसेंटली अक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन एंड इट कैन बी इफेक्टिव इन मैनेजिंग इंडस्ट्रीज लाइक रियल एस्टेट एंड आर्टवर्क। टोकनाइजेशन के कुछ फीचर्स कि भाई एकदम लिक्विड है, जैसे ही आप किसी को टोकन देते हो तो आपको सामने चाय कॉफी मिल जाता है, वैसे यहाँ पे अगर आप टोकन दोगे देन इन दैट केस आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फटाफट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इसे क्रिएट हुआ है एंड देर आर लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज विच आर ऑल्सो हैपनिंग। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टोकनाइजेशन। लास्ट में है सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया, ये खाली आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल मतलब यू कैन जस्ट सी कि भाई सिक्योरिटाइजेशन लाने के लिए इसके लिए लेकर आया कि भाई बैंक्स का पैसा सही जगह से यूज हो जाए, बट उसमें कहीं पे भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होना चाहिए एंड इंडियन कैपिटल मार्केट को कुछ भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स वेयर सिक्योरिटाइजेशन विल बी अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड वाइड इट इज ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड। टोकनाइजेशन के चार बेनिफिट अगर मेरे को बताना है तो इट इज हाईली लिक्विड, ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ, एंड इट हैज गिवन राइज टू न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड दैट इज वॉट टोकनाइजेशन इज ऑल अबाउट। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? सो टोकनाइजेशन टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स को ब्लॉकचेन टोकन्स में कन्वर्ट करता है, रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग दैट हैज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, रियल एस्टेट है, हेल्थ केयर है, आर्टवर्क है, उसके लिए यूज होता है, लिक्विडिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेडिंग के लिए यूज भी होता है। विद दिस एग्जैक्टली 30 मिनट्स एंड अगर आप लोग नोट करोगे तो पूरा का पूरा ये चैप्टर विच इज सिक्योरिटाइजेशन इज डन एंड डस्टेड। आई होप समझ में आ गया होगा एंड पेस भी सही चल रहा है अपना, सो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मजा आ गया, दैट्स ग्रेट टू नो। डन, सो सिक्योरिटाइजेशन इज पूरी तरह से डन, फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। सो सिक्योरिटाइजेशन का अपन लोग ने पहले प्रोसेस समझ लिया और फिर उसके एक 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 पॉइंट समझ लिए एंड नाउ वी आर गुड टू गो, फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर विच इज नथिंग बट स्टार्टअप फाइनेंस। चलो 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, आई जस्ट हैव वाटर एंड देन वी विल स्टार्ट विद स्टार्टअप फाइनेंस। चलो लेट्स स्टार्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टार्टअप फाइनेंस। जिसने भी स्टार्ट शार्क टैंक देखा हुआ है वो सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, समथिंग कॉल्ड एज अ स्टार्टअप फाइनेंस। चलो लेट्स स्टार्ट। सो ये स्टार्टअप फाइनेंस क्या होता है? कोई भी आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना है देन इन दैट केस आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है, थोड़ा पैसा खुद लेकर आते हो एंड देन यू क्रिएट अ बिग एक्सपांशन बेस्ड स्केलेबल बिजनेस। वो जो स्केलेबल बिजनेस है उसके लिए जो पैसा चाहिए दैट बेसिकली इज गोइंग टू कॉल्ड एज स्टार्टअप फाइनेंस। कैसे मिलता है आप लोगों को फाइनेंस का ये स्टार्टअप? तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप खुद से भी थोड़ा बहुत जो आपने कैपिटल जमा किया होगा तो वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल फाइनेंसिंग। पर्सनल क्रेडिट लाइन होती है तो वो आप पर्सनल क्रेडिट लाइन जैसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया वो एक पर्सनल क्रेडिट लाइन हो गया। फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स को जाके बोल सकते हो यार थोड़ा हम लोग को पैसा दे दो बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड देन Obviously, we can repay it back. फिर बाद में आ जाता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। आपके इंडस्ट्री में अगर और भी कोई लोग है तो आप उनको बोल सकते हो, आपके फ्रेंड्स को बोल सकते हो टू गिव द मनी। फिर बाद में होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, milab.org और ये सब तुम लोग ने देखे होंगे, तो दे आर ऑल बेस्ड ऑन क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट। मतलब आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको पैसा देने के लिए ना खुद के पास पैसा है ना आपके फैमिली फ्रेंड्स है या उन्होंने आपको दे दिया है पैसा, आपका खुद का भी पैसा लग चुका है, बट फिर भी अभी तक आपके पास 70% ही पैसा है, 30% और पैसा आना बाकी है, तो आप क्या कर सकते हो? अमेरिका में ये सिस्टम यूज होता है, आप क्राउड फंड कर सकते हो। आप क्या बताओगे दुनिया को? आप बताओगे कि देखो मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप लोग मुझे से जो भी अमाउंट है आप उतना पैसा दो, मैं आपको उतना मेरी कंपनी का शेयर्स दूंगा। इफ इट वर्क्स इट विल वर्क, इफ नॉट नॉट। तो यहाँ पे आप स्टार्टअप जो कौन चालू कर रहा है उसको जानते भी नहीं हो, बट उसने आपसे पैसा मांगा है और वो आपको इक्विटी दे रहा है। यू हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस और आपको लगता है ये आइडिया चल जाएगा, यू कैन गिव द मनी। बिजनेसेस रिसीव द मनी थ्रू द जनरल अननोन क्राउड्स, दैट इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग।
ओके नेक्स्ट में आता है माइक्रो लोन्स, ये जो बैंक्स है छोटे छोटे बैंक्स है ना, जैसे तुम लोग नाम सुना होगा एयू स्मॉल बैंक, एनबीएफसी है, उज्जीवन फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी है, ये सब जो छोटे छोटे बैंक्स है ना, ये सारे के सारे माइक्रो लोन्स देते हैं टू फार्मर्स, टू पीपल इन द टायर टू टायर थ्री टायर फोर सिटीज, एंड दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग भी होता है, से फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस का, मेरे को पास एक ऑर्डर मिल गया, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया मेरे को रिलायंस का, से उनको कुछ स्टील का प्रोडक्ट चाहिए और वो स्टील का प्रोडक्ट मैं उनको बना के दे सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक परचेज ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई वी आर प्लानिंग टू परचेज 100 टन्स फ्रॉम संकल्प कांस्टियन कंपनी। अब ये परचेज ऑर्डर लेके मैं बैंक के पास जा सकता हूँ और बोलता हूँ ये देखो भाई मुकेश अंबानी ने मेरे को ऑर्डर दिया है, चलो इस बेसिस पे मेरे को लोन दे दो, इसको बोलते हैं इसके बेसिस पे मेरे को लोन दे दो। तो कई बार आपको ये परचेज ऑर्डर पीओ के ऊपर भी आप लोगों को पैसा मिल जाता है। फिर वेंडर फाइनेंसिंग भी होता है, वेंडर फाइनेंसिंग में क्या होता है, आपका जो सप्लायर है उसको आप डिले कर देते हो पेमेंट, अभी भाई आपको उसको पैसा देना है बट वो पैसा ही आप डिले कर रहे हो तो इनडायरेक्टली उसने अपने को लोन दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज वेंडर फाइनेंसिंग। मैंने आप लोगों को परचेज ऑर्डर फाइनेंस भी बता दिया जो रिलायंस वाला केस था। एंड लास्ट इज फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, मेरे को पैसा आने वाला है बट कई बार डेटर्स है ना 90 डेज के बाद देता है, अब मेरे पास 90 डेज वेट करने का टाइम नहीं बिकॉज मेरे को वर्किंग कैपिटल क्रंच है। अब अगर ऐसा सिचुएशन है देन इन दैट केस आई कैन गो फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल फैक्टरिंग, मतलब मैं एक फैक्टरर के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि भाई देख ये 100 रुपया मेरे को मिलने वाला है 3 महीने बाद बट मेरे को आज का आज चाहिए, तो वो बोलता है फैक्टरर के ठीक है मैं तेरे को आज का 95% दिलवा देता हूँ, 5% मेरा कमीशन हुआ, जब वो पैसा 100 रुपीज मेरे पास आ जाएगा तो मैं वो पूरा का पूरा रख लूंगा। तो आज वो मुझे 95 रुपीज दे रहा है, 3 महीने बाद उसको 100 रुपये मिलेगा, 5 रुपीज इज हिज कमीशन, 5 रुपीज मैंने लूज किया बट मेरे को 3 महीने पहले पैसा चाहिए था, मेरा वर्किंग कैपिटल का काम हो गया, मेरा जो स्टार्टअप है वो काइंड ऑफ फाइनेंस हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे फटाफट डिस्कशन करता हूँ तो मेरे वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप क्या क्या है, सबसे पहले तो पर्सनल, पहले खुद का पैसा निकालो, फिर पर्सनल क्रेडिट लाइन जैसे क्रेडिट कार्ड, फिर बाद में फैमिली एंड फ्रेंड्स आ गए, फिर बाद में फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद पीयर टू पीयर लेंडिंग, देन देयर इज क्राउड फंडिंग, माइक्रो लोन्स, देन वेंडर फाइनेंसिंग, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, एंड लास्ट में आ जाता है मेरा फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये सारे तरीके से आप अपना फाइनेंस जनरेट कर सकते हो विच एवर यू आर कंफर्टेबल। नेक्स्ट के ऊपर आ जाता है पिच प्रेजेंटेशन। अब देखो जो शार्क टैंक में हो रहा है वो पिच प्रेजेंटेशन ही हो रहा है, तो सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर टीम का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बताते हैं कि भाई हम लोग को ये प्रॉब्लम दिखी, अभी हम लोग इस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन ला रहे हैं, इस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे थ्रू इंश्योरिंग दैट अपना मार्केटिंग एंड सेल्स अच्छा है। अच्छा आप कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं, तो हमारे कुछ प्रोजेक्शंस है, कुछ फाइनेंशियल माइलस्टोन्स है जैसे इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, फिर आप लोग देख सकते हो कि भाई क्या कंपटीशन है अपनी इंडस्ट्री में, बिजनेस मॉडल क्या है आपकी इंडस्ट्री का वो आप बताओगे, कॉम्पिटिटर्स कौन है वो आप बताओगे, एंड फाइनली बोल दो कि भाई ठीक है फाइनेंसिंग प्लीज मेरे को दे दो बिकॉज आई एम डूइंग गुड इन ऑल द एस्पेक्ट। तो शार्क टैंक अगर आप लोग ने देखा है तो वही सारी की सारी बातें यहाँ पे हो रही है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया उसने अपने खुद का, फिर टीम का इंट्रोडक्शन दिया कि हम लोग की टीम में इतने इतने लोग हैं और ये काम कर रहे हैं, फिर बाद में वो लोग ने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्यूशन ला रहे हैं हमारे प्रोडक्ट से, तो प्रॉब्लम आ गया सोल्यूशन आ गया, फिर बाद में आप लोग बोल सकते हो कि भाई देखो मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए हम लोग ये करते हैं, अभी तक के हमारे फाइनेंशियल जो माइलस्टोन्स है उसमें आप लोग इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, ये सारी चीजें बता सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बता सकते हो, सो दिस विल क्रिएट अ गुड स्कोप, अ गुड पिच प्रेजेंटेशन। फिर ओवरऑल बेस पे वो लोग ही आपको पूछेंगे भाई आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है एंड आपको फाइनेंसिंग कैसे चाहिए। आई होप वी आर क्लियर। सो ये होता है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज पिच प्रेजेंटेशन। सो अपना वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप हो गया, पिच प्रेजेंटेशन हो गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं मॉडल्स ऑफ फाइनेंसिंग द स्टार्टअप। तो 3 मॉडल्स है, या तो आप बूटस्ट्रैप कर लो, बूटस्ट्रैप मतलब खुद ही का पैसा लगा के पूरा का पूरा बिजनेस को बिल्ड करना, मतलब यहाँ पे कोई फाइनेंसिंग नहीं है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका जीरोदा, ठीक है, तो जीरोदा इज अ बूटस्ट्रैप बिजनेस, उन्होंने जो निखिल कामत है, नितिन कामत है, जो कामत ब्रदर्स है, उन्होंने एक पैसे का, एक फूटी कौड़ी का भी लोन नहीं लिया है या फंडिंग नहीं लिया है, पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप किया है। सो बूटस्ट्रैप मतलब आप खुद से पूरा करते हो, सो बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसिंग, और जैसे जैसे रेवेन्यूज आ गया ऑफ द न्यू कंपनी, इन्वेस्टमेंट बाय स्टार्टअप्स फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स लीड्स टू कंटिन्यूस अप्रोच, कर्व्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। देखो जब दुनिया के पास बाहर का पैसा आता है ना फंडिंग का, तो वो कैसे भी खर्चा करता है, बट अगर खुद का पैसा लगाया हुआ है तो उसको पता है एक एक पैसे का कितना इंपॉर्टेंस है, एंड इट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। Bootstrapping is the process of growing a company with very limited resources
एंड रिलाइंग ऑन पर्सनल फाइनेंस टू गेट स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेंचर कैपिटल। बूटस्ट्रैप के लिए यहाँ पे तीन मेथड दिख रहे हैं आप लोगों को, एक दिख रहा है क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट, दूसरा दिख रहा है फैक्टरिंग एंड तीसरा दिख रहा है लीजिंग। जो ट्रेड क्रेडिट है बेसिकली आपको अगर आपका क्रेडिटर कुछ क्रेडिट दे देता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट। फैक्टरिंग अभी मैंने आपको बताया अकाउंट रिसीवेबल से आप अभी कभी पैसा ले लोगे 5% कमीशन उसको दे दोगे वो 100 रुपीज पूरा ले लेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज फैक्टरिंग। एंड लीजिंग, कई बार आप बड़े बड़े मशीन खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप लीज कर लोगे सो दैट अ बिग आउटफ्लो इज सेव्ड एंड इट कैन बी यूज फॉर अदर ऑपरेशनल कॉस्ट। सो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का मतलब समझा दिया। बूटस्ट्रैप के तीन टाइप्स है, ट्रेड फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग एंड लीजिंग। सो आई होप वी आर क्लियर। फिर बाद में आ जाता है मेरा एंजल इन्वेस्टर्स। सो ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है मेरा? सो एंजल इन्वेस्टर्स है कि भाई अगर सपोज मेरे को पैसे की जरूरत है पर मेरे को बाहर से पैसा इतना नहीं मिल रहा है तो मैं कोई मेरे ऐसे इन्वेस्टर के पास जाऊंगा जो मुझे पैसा भी देगा, जिसको बहुत ज्यादा मेरे से रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बट ही वॉन्ट्स टू एंश्योर दैट मैं ये सिचुएशन से बाहर निकल के एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दू, एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर दू। अभी क्लियर एवरीबॉडी? दैट इज कॉल्ड एज अ एंजल इन्वेस्टर। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, यही है वो हमारा एंजल इन्वेस्टर जो अपने लिए ये काम करके देगा। ही इज इन्वेस्टिंग इन अस, ही हैज अ फुल बिलीफ इन अस और वो चाहता है कि अपन लोग इस बिजनेस में अच्छा करें। वेल्दी इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड कैपिटल टू प्रॉमिसिंग अर्ली स्टार्टअप बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर इक्विटी। सो ऑब्वियसली खुशी से मैं भी उनको इक्विटी दूंगा बिकॉज दे आर हेल्पिंग मी टू सच अ लार्ज एक्सटेंट। राइट, डन, ओके। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इंटरनल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, एंजल फंडर्स भी बोलते हैं इनको, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सीड इन्वेस्टर्स, बिजनेस एंजल्स, ये सब भी है। कई बार फैमिली एंड फ्रेंड्स के रूप में आ जाते हैं, कई बार कोई और बिजनेस एसोसिएट के रूप में भी आ जाते हैं। सपोर्ट एंड कैरी द कंपनी थ्रू इट्स डिफिकल्ट अर्ली स्टेजेस, इन्वेस्ट इन द एंटरप्रेन्योर नॉट विजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। उसको बिजनेस से इतना आइडिया भी नहीं है और उसको एंटरप्रेन्योर के ऊपर विश्वास है कि यस ये बंदा ऑनेस्टी से अपना काम करेगा, बिजनेस को और पैसे को सही तरीके से संभालेगा। इन्वेस्ट द कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट्स एंड दे हैव अ डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटजी एक्विजिशन और आईपीओ। सो अगर ये लोग के पास एक डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटजी है, आईपीओ आया तो वो लोग यूजुअली बोलते हैं कि भाई हम लोग को हमारा पैसा दे दो, वी विल बी आउट ऑफ इट बिकॉज अब आप आईपीओ लेवल पे पहुंच गए तो अब आपको हमारी जरूरत नहीं है, गिव मी द मनी एंड वी आर आउट। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऐसा नहीं होता है कि मेरा पैसा 2x 3x 4x 10x हो जाए। यहाँ पे चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट हो जाए, बिजनेस एक डिसेंट रिटर्न मिल जाए, जो स्टार्टअप फाउंडर है उसका काम गो अहेड हो जाए एंड दैट्स व्हाट द एंजल इन्वेस्टर्स इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट आता है मेरा वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो होता है विद अ क्लियर इंटेंशन दैट दे वांट टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दे वांट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन। तो ऐसा सोचो भाई, जिसने भी जोमैटो पेटीएम में इन्वेस्ट किया था ना, वो लोग ने 10 रुपए का शेयर लिया था, आज वो शेयर का वैल्यू है 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। सो वेंचर कैपिटल ने जो 10 रुपए का शेयर लिया था आज उसका वैल्यू 1000 रुपया हो गया, सो दे हैव गॉट 100x रिटर्न। बस यही काम है वेंचर कैपिटल का, टू आइडेंटिफाई बिजनेसेस जहां पे 100x रिटर्न होने का चांसेस है। बट एक चीज ध्यान रखना, ऐसी उनकी 9 अदर कंपनीज भी होंगी जो बंद भी हो गई है चालू होके, सो दे हैव टेकन अ रिस्क। रिस्क में एक भी कंपनी अगर चल गई, उड़ पड़ी, देन इन दैट केस उनका काम हो जाएगा, बाकी 9 का पूरा पैसा ये एक भी रिकवर करके देगा एंड That's what venture capital funding is all about. So, एक होता है bootstrapping, एक होता है angel investor, and तीसरा होता है मेरा venture capital fund. These are the models for financing a startup. आओ देखते हैं। Venture capital funding में money provided by professionals जो manage करते हैं, invest करते हैं in young, rapidly growing companies that have the potential to develop into significant economic contributors. क्या है यहाँ पे venture capital? Invest in new, rapidly growing company जैसे Zomato है, ये सब के ऊपर। तो जोमैटो ने क्विक डिलीवरी का सिस्टम नए लेवल पे ले गया, पेटीएम फिनटेक में बहुत आगे बढ़ गया है, वैसा परचेज देयर इक्विटी शेयर्स, एड वैल्यू थ्रू पार्टिसिपेशन, ये लोग भी उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं कि बस आपको पैसा देके छोड़ दिया। दे विल ऑल्सो क्रिएट अ नेटवर्क, दे विल ऑल्सो ट्राई टू बिल्ड योर बिजनेस एंड असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू डेट्स एंड सर्विसेज। दिस इज अबाउट योर वेंचर कैपिटल का फीचर्स। फिर बाद में आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मिनिमम 3 साल के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स के लिए। विल गेट लेस इक्विटी, तो मेरा लिक्विडिटी चले जाता है, सीधी सी बात है। हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स के ऊपर फोकस है, मैंने बोला ना 10 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, 10 में से 9 कम बंद, बट ये जो एक है वो इतना हाई रिटर्न्स दे देती है दैट दे आर कॉम्पेंसेटेड फॉर द रिमेनिंग 9। एंड लास्ट इज इक्विटी पार्टिसिपेशन, वो लोग रखते ही है टू टेक अ बेटर डिसीजन, बिकॉज जब आप इक्विटी पार्टिसिपेट करते हो तो आप बिजनेस के ओनर बन गए हो एंड डेफिनेटली इट इज
a very very helpful thing. So characteristics of VCF: long term horizon, lack of liquidity, high risk and early participation. Fir baad mein aata the advantages of venture capital fund: injects long term equity. हाँ, एडवांटेजेस क्या क्या है वेंचर कैपिटल फंड के? लॉन्ग टर्म इक्विटी आपको मिल गया, आपको एक इनका अच्छा नेटवर्क मिल गया, बिजनेस पार्टनर मिल गया जो रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर करता है, नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपको मिल गया है, ट्रेड सेल फ्यूचर में अगर आपको ये बिजनेस बेचना है दे कैन हेल्प यू विद दैट ऑल्सो, प्रोवाइडिंग एडिशनल रूट्स ऑफ फंडिंग चाहिए चलो वेंचर कैपिटल दिलवा देगा, प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंट टू द कंपनीज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड. क्या? लॉन्ग टर्म इक्विटी, नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करेंगे, बिजनेस पार्टनर की तरह है द वेंचर कैपिटल, फैसिलिटेट स्ट्रेट सेल इन द एंड इफ द थिंग्स आर नॉट डूइंग गुड, एंड अगर मेरे को और एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग चाहिए दैट कैन ऑल्सो बी मैनेज थ्रू द वेंचर कैपिटल फंड. स्टेजेस क्या क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, ये एग्जाम में आ सकता है. देर आर सिक्स स्टेजेस इन ऑल, डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट. एक होता है सीड मनी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड. सो सीड मनी और स्टार्टअप आर द -1, -2 काइंड ऑफ अ थिंग. तो सीड मनी सबसे पहले जब आप खुद का पैसा इंट्रोड्यूस करते हो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज सीड मनी. लो लाइन ऑफ फाइनेंसिंग टू प्रूव अ न्यू आइडिया आइडिया. तो एक मेरे को किक स्टार्ट मेरे को अगर चाहिए तो सीड मनी मैं खुद का पैसा यूज कर सकता हूँ. वहां से मुझे थोड़ा बहुत सक्सेस मिला तो मैं इमीजिएटली एक स्टार्टअप फाइनेंस के पास जा सकता हूँ, और मेरे को एक्सपांशन करना है देन इन दैट केस आई कैन क्रिएट अ फर्स्ट राउंड. तो यहाँ पे आप लोग सुनते होंगे कि इसको फर्स्ट राउंड मिला, इसको सेकंड राउंड मिला, इसको 50th राउंड मिला, इसमें कितने भी राउंड जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपांशन स्ट्रेटेजी. हो सकता है कुछ लोगों को इमीडिएटली पैसा चाहिए तो फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में ले लेंगे, कुछ लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ से 15 ईयर्स 15 मंथ्स चाहिए, सो दे विल टेक इट इन पीस बाय पीस बेसिस. सेकेंड राउंड वर्किंग कैपिटल अगर चाहिए तो सेकेंड राउंड के ऊपर आ जाओ. थर्ड राउंड इज मेजनीन फाइनेंसिंग एंड फोर्थ राउंड इज कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग इंटेंडेड टू फाइनेंस द पब्लिक द एंटिटी गोइंग पब्लिक. तो फर्स्ट राउंड सीड, सेकेंड राउंड स्टार्टअप, थर्ड राउंड से गेम स्टार्ट होता है अर्ली सेल्स हाई रिस्क हाई रिटर्न. सेकेंड राउंड पे आ जाते हैं अपन लोग, यहाँ पे अपने पास आ जाता है सफिशियंट प्रॉफिट. थर्ड राउंड पे आ जाते हैं मेजनीन एंड फोर्थ राउंड पे तक इतनी बड़े हो जाओगे आप लोग कि आप आईपीओ ले आओगे एंड यस इट विल क्रिएट एज अ ब्रिज. तो इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग. फिर बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. तो पहले आप डील ओरिजिनेट देखोगे, स्क्रीनिंग, ड्यू डिलीजेंस, डील स्ट्रक्चर करना है, फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनली देयर इज द एग्जिट प्लान. सो जब जोमैटो ने फॉर एग्जाम्पल एक एक्स वाई जेड कंपनी है, इसने जोमैटो में वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग किया रहेगा तो पहले वो लोग का डील हुआ रहेगा कि भाई क्या डील फाइनल करना है, वो डील क्लोज होता है, फिर स्क्रीनिंग होता है कि भाई हाँ जेन्युइनली ये जो स्टार्टअप फाउंडर बोल रहा था वो सही बोल रहा था कि नहीं, ड्यू डिलीजेंस होता है ओवरऑल कंपनी का, वेदर द कंपनी इज डूइंग गुड लीगली प्रोफेशनली स्ट्रक्चरली फाइनेंशियली और नॉट, फिर डील स्ट्रक्चरिंग के बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनली टाटा बाय बाय एंड दैट इज द एग्जिट प्लान. So, ये है आपका वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. फिर बाद में आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल फंड वेंचर कैपिटल इन इंडिया. ये खाली एक बार रीड कर सकते हो, एक तो है डोमेस्टिक, एक होता है ऑफशोर इंटरनेशनल फंड. फिर बाद में आ जाता है स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम दिया है, क्या कुछ स्कीम दिया है क्या? यस सर, बहुत सारा स्कीम दिया है. अप टू 10 ईयर्स अगर हुआ है आपको, टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर नहीं गए, आप एक रजिस्टर्ड फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आप स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बने हो न्यू कंपनी, एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, सो ये गवर्नमेंट ऑफशोर का कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हो. अप टू 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बना हुआ होना चाहिए बिजनेस, इट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन इनोवेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये सब चीजें होनी चाहिए एंड देन फाइनली द गवर्नमेंट स्कीम विल बी अप्लाइड. इनको 10 ईयर्स तक, अप टू 10 ईयर्स दे डोंट हैव टू रीपे एनी टैक्सेशन एट ऑल. सो इसको बोलते हैं टैक्सेशन बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप. फिर बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न. वेंचर कैपिटलिस्ट आइलेन ली ने यह कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और बोला था कि जो भी कंपनी $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूड होगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8300 करोड़, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूनिकॉर्न. स्टार्टअप इज रिफर्ड एज यूनिकॉर्न इफ द फॉलोइंग फीचर्स आर
अचीव्ड, पहले तो प्राइवेटली सेटअप है, वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर गया, एम्फेसिस ऑन द रॉयल्टी ऑफ सक्सेस फॉर सच अ स्टार्टअप, जितना अपन लोग इसको सक्सेसफुल बनाएंगे ऑब्वियसली उतना अच्छा है, एंड अदर कॉमन फीचर्स, कुछ ना कुछ ये नया आइडिया लाएगा, कुछ ना कुछ डिसरप्शन लाया रहेगा, कुछ ना कुछ कस्टमर फोकस एंड हाई टेक्नोलॉजी यूज किया होगा, तभी जाके आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा और एक यूनिकॉर्न बनेगा। प्राइवेटली हेल्प सेटअप सबसे बेस्ट यूनिकॉर्न्स में एक आता है ज़ीरोधा, राइट? सो ज़ीरो वो लोग ने फंडिंग लिया है, आज की तारीख में इतना बड़ा वैल्यूएशन है वो लोग का। ओयो ऑल्सो हैज गुड फंडिंग बट एट द सेम टाइम गुड वैल्यूएशन ऑल्सो। सो यूनिकॉर्न में क्या क्या आता है, प्राइवेटली बेस्ड सेटअप है, $1 बिलियन का वैल्यूएशन है, एम्फोसिस इज ऑन द रेरिटी ऑफ सक्सेस, बस ये सक्सेसफुल हो जाए तो नथिंग लाइक इट, आइडियाज डिसरप्टिव इनोवेशन करके, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके आप एक यूनिकॉर्न बनते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन केस द वैल्यूएशन ऑफ एनी स्टार्टअप फॉल्स बिलो $1, तो आपको यूनिकॉर्न के नाम से हटा दिया जाएगा। ओ वेबिकेट, थैंक यू सो मच, बहुत जल्द बनेगा हमारा वेबिकेट भी, क्या? यस, $1 बिलियन कंपनी विच इज विल बी अ यूनिकॉर्न। फिर बाद में आ जाते हैं सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस। सबसे अच्छा सक्सेशन अगर किसी ने किया है तो वह टाटा, रिलायंस भी अभी काफी सारा अच्छा सक्सेशन प्लानिंग कर रहा है। सो देखो कैसा है, पता है क्या, आफ्टर मिस्टर रतन टाटा हु विल मैनेज द होल कंपनी, तो यू विल नॉट वेट कि भाई रतन टाटा जी रिटायर हो जाए या उनको कोई डिजीज इलनेस हो जाए तब आप सक्सेशन प्लानिंग करो, नहीं, उससे पहले ही आप ये पूरा का पूरा सक्सेशन प्लानिंग चालू कर दोगे। And that is what was done in Tata's critical positions within an organization. जो leadership roles है वो right people को right time पे अगर आप लोग ने दे दिया, then obviously then in that case we will say that yes, succession planning has taken place carefully. ठीक है ना? So good way for companies to ensure that business are fully prepared to promote and advance all employees. Say for example, Ratan Tata ji ke demise ke baad, now Noel Tata is the main person of managing Tata Sons. So ye ek kind of a succession planning tha Tata's ka, because Noel Tata is already actively involved in the Tata's business and now it will transition smoothly as the leader of Tata Sons. So it becomes better, management barabar ho jata hai, executive action barabar hota hai. Why is there a need for succession planning? Risk mitigation. भाई अगर अचानक से मुकेश अंबानी के ऊपर पूरा रिलायंस है, अचानक से मुकेश अंबानी को कुछ हो गया, then in that case रिलायंस तो पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बट उन्होंने क्या कर दिया है, सक्सेशन प्लानिंग दिया है। आनंद अंबानी को बोला तू रिलायंस जियो देखेगा, आकाश अंबानी को बोला कि भाई तू रिलायंस का कोई और सेक्टर देखेगा, रिलायंस ऑयल देखेगा, ईशा अंबानी को बोला तू रिलायंस रिटेल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड देखेगी, तो यहाँ पे रिस्क कम हो गया। कभी कल उठ के अगर मुकेश अंबानी को कुछ होता भी है ऑन अकाउंट ऑफ हिज एज, देन इन दैट केस द सक्सेशन इज ऑलरेडी डन, सो देयर इज नो रिस्क, तो शेयर होल्डर्स पैनिक नहीं होंगे, दैट इज व्हाट इज इवेंचुअली रिक्वायर्ड बाय एनी कंपनी। सो कीपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट लीडर, अभी से फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर डेलीगेशन नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको किसको लीडर बनाना है, किसको कंपनी का मेन सीईओ बनाना है। सो इसके लिए इट कैन इनवाइट डिसरप्शन, अनसर्टेनिटी, कॉन्फ्लिक्ट, उससे अच्छा बेटर है कि पहले से ही ये सब चीज कर लेना चाहिए। कॉज्यूमल, इफ एग्जिस्टिंग लीडर इज कल्पेबल टू फ्रॉड, विलफुल मिसकंडक्ट या डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, देन इन दैट केस वी कैन पुट हिम बिहाइंड द बार्स। फिर बाद में आता है टैलेंट पाइपलाइन। अब अगर आप ही क्या जिंदगी भर से, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर इस जिंदगी भर बैटिंग करते रहेगा तो विराट कोहली का और रोहित शर्मा को चांस कब मिलेगा? सो सचिन तेंदुलकर हैज टू टेक अ बैक फुट सो दैट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली कैन शोर देयर टैलेंट। वैसे ही कोई कंपनी का सीईओ है 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से, अब उसको सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से कोई किसी नए को लाना चाहिए और टैलेंट भी इससे इंकरेज होगा, दे विल ऑल्सो गेट अ न्यू थिंग टू वर्क। फिर बाद में आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अगर आपने पहले से सक्सेशन प्लानिंग कर लिया है तो आपके जाने के बाद कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, एंड देयर इज अलाइनिंग ऑफ थॉट्स, प्रोसेसेस एंड बिजनेस रिसोर्सेज। सो नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग, रिस्क मेरा सबसे ज्यादा की मिटिगेट हो जाएगा, कॉस्ट रिमूवल, टैलेंट पाइपलाइन यूज हो जाएगा, अलाइनमेंट ऑफ आइडियाज एंड क्रेडिट रिजोल्व हो जाएगा अगर कल उठ के कुछ सीनियर मैनेजमेंट को होता है तो। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ सक्सेशन प्लानिंग इन प्लेस। बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटेजी, अब देख लो भाई कौन है आपके लीडरशिप पोजीशन में, उन्हीं को बनाओगे आप अपना टॉप मैनेजर सीईओ। मैप कंसिस्ट कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर अबव पोजीशन, सो उसमें इतना कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, वर्क करंट वर्कफोर्स क्या सीन है, एंड ब्रिज लीडर होना चाहिए विच विल एंश्योर दैट ऑल द ट्रांजिशन
इज टेकन केयर ऑफ इन अ प्रॉपर मैनर। सो लीडरशिप पोजीशन देखो कौन है वो लीडरशिप पोजीशन के लिए जो कम्पीट कर रहा है, उनको बोल दो कि भाई यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंसीज, चेक करो वो कॉम्पिटेंसीज उन लोगों में है कि नहीं, एंड फाइनली देयर विल बी अ ब्रिज लीडर हु विल एंश्योर द ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन। फिर बाद में आते हैं कुछ चैलेंजेस। अब क्या होता है ना, फाउंडर तो फाउंडर होता है, अपने तो अपने होते हैं, तो फाउंडर माइंडसेट, और जो नया जबरदस्ती का सीईओ बनाया, हो सकता है वो माइंडसेट इतना अच्छा ना हो, इतना पैशनेट ना हो, जो हमारा नया ये है वो कॉर्पोरेट माइंडसेट से आता है, राइट। सो सक्सेशन प्लानिंग का एक फेलियर है कि अगर चैलेंज है कि अगर फाउंडर निकल गया तो हाउ टू मैनेज द कंपनी विद ग्रोथ। द वे फाउंडर्स ब्रेन्स आर वायर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द वे ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट मैनेजर थिंग्स, एंड हिज दिस पुट्स ऑफ सीजन कॉर्पोरेट लीडर्स फ्रॉम ज्वाइनिंग इवन मैच्योर्ड स्टार्टअप्स। व्हाई? बिकॉज आपको पता नहीं है कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। प्री मैच्योर फॉर स्टार्टअप्स टू इम्प्लीमेंट बिजनेस सक्सेशन। कई बार जो स्टार्टअप्स होते हैं वो सोचते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे। सो क्रिएटिव स्टार्टअप स्टार्ट अर्ली ग्रोथ स्टेज एंड टू मच ऑफ प्रोसेसेस वुड बी रिक्वायर्ड टू ग्रोथ स्लो डाउनिंग। एंड लास्ट है फाउंडर्स आर द फेस ऑफ स्टार्टअप्स। अगर आप फाउंडर्स को ही निकाल के कोई नए को ले आए तो द फेस मे नॉट बी एक्सेप्टेड। स्टार्टअप विदाउट अ फाउंडर हु इनिशिएटेड द आइडिया इफ इज एब्सेंट इन द सक्सेशन प्लानिंग कैन बिकम डिफिकल्ट। विद दिस, ये चैलेंज के साथ मैंने और एक कॉन्सेप्ट और एक चैप्टर कर लिया है, अगेन विद इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स। सो ऐसे ही बस आप लोगों को भी फटाफट रिवाइज करते जाना है, एंड आई एम श्योर वील बी डन। सो देखो अभी अगर इसको मेरे को फटाफट क्विक लेवल पे अगर रिवाइज करना है, तो हम लोग ने स्टार्ट किया था वेज टू स्टार्टअप फाइनेंस। इसमें जो पॉइंट्स है वो याद रखना पड़ेगा भाई, पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल लाइन, क्रेडिट लाइन, पेरेंट्स है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, अकाउंट्स रिसीवेबल को आप लोग पूछ सकते हो, ये milab.org जैसे क्राउड फंडिंग है, वेंडर फाइनेंसिंग है, रिलायंस का पीओ, वेंडर फाइनेंसिंग, परचेज ऑर्डर फाइनेंस एंड फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। डन, क्विकली देख लिया अपन लोगों ने पिच प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन देना है आपको, टीम के बारे में बताना है, क्या प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, सोल्यूशन क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अभी तक आपने फाइनेंशियल माइलस्टोन्स क्या पहुंचे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा दो, कॉम्पिटिशन क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंसिंग कैसे चाहते हो, मॉडल्स क्या है। सबसे पहले है मेरा बूटस्ट्रैप मॉडल, विच इज लाइक बेसिक ब्रिक एंड मॉर्टर से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें तीन है, ट्रेड फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिटिंग, फैक्टरिंग एंड लास्ट है लीजिंग। फिर बाद में एंजल इन्वेस्टर एंड लास्ट है मेरा वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल का एडवांटेजेस हो गया कैरेक्टरिस्टिक, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए होता है, लिक्विडिटी नहीं होता है, हाई रिस्क है बट इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है फॉर श्योर, राइट। स्टेजेस है सीड मनी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में ब्रिज, फोर्थ स्टेज में मेजनिन, सॉरी थर्ड स्टेज में मेजनिन और फोर्थ स्टेज में है ब्रिज। प्रोसेस डील ओरिजिनेशन, सिक्योरिटाइजेशन, डील ओरिजिनेशन, स्क्रीनिंग, फिर बाद में स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद ड्यू डिलीजेंस करोगे, अगर वो भी सही निकला तो आप स्ट्रक्चर कर दोगे डील को, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनली एग्जिट प्लान। ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स कब मिल सकता है आपको, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं है, स्प्लिटिंग अप से नहीं बना है, कुछ ना कुछ आपका बिजनेस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इनोवेशन, डेवलपमेंट, ये सब चीजें यूज कर रहा है, यूनिकॉर्न, $1 बिलियन अगर आपने बिजनेस को बनाया तो यू आर अ यूनिकॉर्न। कब स्टार्टअप विल बी रिफर टू एज यूनिकॉर्न, प्राइवेट है, एसेट्स $1 बिलियन से ज्यादा है, एम्फोसिस ऑन सक्सेस, एंश्योरिंग दैट आइडियाज, डिसरप्टिव आइडियाज एंड इनोवेशन इज ऑल्सो देयर, सक्सेशन प्लानिंग, क्रिटिकल पोजिशंस, लीडरशिप पोजिशंस, राइट प्लेस, राइट पीपल। ओके, सक्सेशन प्लानिंग क्यों होना चाहिए, रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, टैलेंट बराबर यूज होना चालू हो जाएगा, क्रेडिट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व पहले से ही हो जाएगा, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द डेथ, उसके पहले कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर लेंगे अपन लोग, अलाइन ऑफ थॉट्स विद द ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटेजी, ये आप लोग खाली रीड कर सकते हो। चैलेंजेस में फाउंडर है तो उसका माइंडसेट, के जैसे ही आपको एक फाउंडर ढूंढना पड़ेगा, कॉर्पोरेट माइंडसेट नहीं होता है यहाँ पे। फाउंडर्स आर द फेस ऑफ स्टार्टअप, सो विदाउट स्टार्टअप फाउंडर
मिनिमाइज, इनिशिएट द आइडिया एंड एग्जीक्यूट, तो वो थोड़ा एक मुश्किल हो जाता है. जैसे ट्विटर को स्टार्ट किया था जिसने भी, आज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ट्विटर, इट इज रन बाय इलॉन मस्क. सो उधर चेंज ही हो गया फेस. ओके, सो ये जो है वॉज द चैप्टर करेक्ट स्टार्टअप फाइनेंस. अब अपन लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर फाइनेंशियल पॉलिसी. बट ये मैं स्टार्ट करूं उसके पहले, यस अगेन एज यूजुअल विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक. तो अभी अपन लोग ने एक घंटा कर लिया है, एक घंटे में दो चैप्टर, बस यही हाफ एन आवर के हिसाब से चलता रहा तो अपना 2.5 to 3 hours में पूरा का पूरा ये थियोरी कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप 2-3 बार स्पीड पे 1.5 to 2 hours की स्पीड पे, 1.5 to 2 की स्पीड पे देखा ना, तो 1.5 to 2 hours में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाट यू वांट. चलो, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज फाइनेंशियल पॉलिसी. कम ऑन, कैन एएफएम थ्योरी बी रिटन इन ओवन वर्ड्स? यस. चलो, वी जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक फॉर वॉटर एंड देन वील रीस्टार्ट.
ओके कंटिन्यू। चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है फाइनेंशियल पॉलिसी। फटाफट फाइनेंशियल पॉलिसी को भी ले लेते हैं एंड उसको भी कंप्लीट कर देंगे गाइस। कम ऑन। वाह दैट्स ग्रेट टू नो नैनी। ओके सो अब चैप्टर वन फटाफट इसको करते हैं। छोटा सा थियोरी सा चैप्टर है, पिद्दू सा चैप्टर है, पिद्दू वे में हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सो एडवांस रोल ऑफ सीएफओ इन वैल्यू क्रिएशन, ये नया एडिशन क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या है कि देखो पहले सीएफओ का रोल रिस्ट्रिक्टेड था, अब सीएफओ का रोल तो बहुत एक्सपांड हो चुका है। तो उसके रोल में रिस्क मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, मर्जर्स एक्विजिशन, ईएसजी फाइनेंसिंग। ईएसजी का मतलब होता है एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ये सारी भी चीजें आ गई। सो ये हो गया है रोल ऑफ फाइनेंसिंग। मर्जर्स एक्विजिशन चैप्टर का नाम है, सप्लाई चेन एससीपीएम एक चैप्टर है, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर टू का नाम है, ईएसजी फाइनेंसिंग इज समथिंग न्यू बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग स्ट्रेटेजिक, हाँ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर। देखो ये चैप्टर में से ना कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आने का चांसेस है, जो मैं आपको बताऊंगा उतना बराबर से करके जाने का। अभी जैसे ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, खाली एक बार ध्यान रखने का कि भाई स्ट्रेटेजी है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, यही बस फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है, विच इज इवेंचुअली मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय टेकिंग मिनिमम रिस्क। सो मैक्सिमाइज द वेल्थ बाय सिलेक्टिंग ऑप्टिमल इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दैट विल गिव मैक्सिमम रिटर्न्स एट मिनिमम रिस्क। फिर बाद में आता है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में आता है भाई इन्वेस्टर्स शुड मैक्सिमाइज वेल्थ बाय सिलेक्टिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एलोकेशन ऑफ फंड सही तरीके से होना चाहिए, एक क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी बनाओ, रिसोर्सिस एंड सिस्टम्स को प्रॉपरली फॉलो करो, मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेसेस को फॉलो करो एंड थिंग्स विल बी परफेक्ट। सो ये है आपका प्रोसेस ऑफ डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ध्यान रखना क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंट्रोल एंड सिस्टम शुड बी इन प्लेस, एंड मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेसेस शुड बी इन प्लेस, एलोकेशन ऑफ फंड्स बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूजेस इन द प्रॉपर मैनर। फिर आपने बोला लिंकिंग फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द फोकस शुड बी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन टू शेयर होल्डर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज हो जाना चाहिए, फॉरेक्स एक्सपोजर को कैसे मैनेज करते हो, डिविडेंड बोनस रेगुलरली आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग द डिविडेंड और बोनस देन हाउ यू आर यूटिलाइजिंग बाय द री इन्वेस्टमेंट। अभी ऑलरेडी करेंसी फ्यूचर्स तो मैंने डाला हुआ है। ओके ओके आई विल पुट इट करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आई विल पुट इट, या डोंट वरी। सो देन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन टू द शेयर होल्डर्स। फिर बाद में आता है कि डिसीजंस फॉलिंग विद इन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। सो फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट डिविडेंड पोर्टफोलियो, खाली ये चार मेन हेड पॉइंट्स याद रखना है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो। क्या फाइनेंसिंग करने के लिए अपने को फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अच्छा होना चाहिए कि भाई क्या कितना डेट कितना इक्विटी हो, इन्वेस्टमेंट अपने को क्या करना है कहाँ पे करना है, डिविडेंड अपने को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, एंड पोर्टफोलियो हाउ वी आर मैनेजिंग इट। फिर बाद में आता है स्ट्रेटेजीज एट डिफरेंट लेवल्स, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में तीन चीजें होती है, एक होता है सूटेबिलिटी, एक होता है फिजिबिलिटी, एक होता है एक्सेप्टेबिलिटी। फोर्थ आपका एमसीक्यू का फोर्थ पॉइंट बन जाएगा, ध्यान रखना सूटेबिलिटी फिजिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी होगा। सो तीन लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल होता है, बिजनेस लेवल होता है, फंक्शनल लेवल होता है। जो कॉर्पोरेट लेवल होता है वहां पे टॉप लेवल जो काम करता है वो, जैसे मुकेश अंबानी। फिर बाद में आता है मिड यूनिट मिड लेवल जहाँ पे टैक्स और फाइनेंस हेड्स काम करते हैं, देन होता है सुपरवाइजर या फंक्शनल लेवल जहाँ पे लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो सुटेबिलिटी करेक्ट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, तो अभी मुकेश अंबानी और ये लोग का काम वही डे टू डे बिजनेस नहीं है, उनका काम है करेक्ट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी मीट हो रहा है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी, एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं, स्टेक होल्डर इज सेटिस्फाइड बोथ फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली। फिर बाद में आता है बिजनेस मिड लेवल स्ट्रेटेजी, ऑपरेटिंग यूनिट्स प्लान्ड इंडिपेंडेंटली विद प्रॉफिट इंटेंट बाय इंश्योरिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड देन फिर फंक्शनल लेवल पे या लोअर लेवल पे जो भी है आपके डिविजन्स को काम करना पड़ता है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड। सो तीन स्ट्रेटेजीज एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक एडवांस रोल ऑफ सीएफओ,
ये आ सकता है। फिर बाद में की डिसीजंस फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। सो ये चैप्टर के नाम याद रखो हो जाएगा, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो। सो ये क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा स्ट्रेटेजीज कॉर्पोरेट लेवल, मिड लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में तीन, सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। बराबर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। फिर फंक्शनल लेवल पे R&D हो गया, मार्केटिंग, फाइनेंस हो गया, ये सारे के सारे फंक्शनल लेवल कैन ऑल्सो वर्क। फिर बाद में आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के तीन कॉम्पोनेंट, फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। तो क्या है आपके रिसोर्सेज, क्या वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, टूल्स आप क्या क्या यूज कर रहे हो, एंड गोल्स क्या है, वेदर दे आर इन लाइन विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज योर थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर आउटकम क्या है उसका, कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव शुड बी टेकन केयर ऑफ, डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल मेजर्स। ये बार बार वही सिमिलर पॉइंट्स हैं, दो तीन बार रीड कर लो, यू विल गेट टू नो। ये इंपॉर्टेंट है अभी, वो है सस्टेनेबिलिटी। सो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, आपको इतना बिजनेस को ग्रो करना है विदाउट एडिशनल फाइनेंसिंग दैट यू आर एबल टू सस्टेन द बिजनेस। सस्टेन मतलब एटलीस्ट लॉस नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा तो भी चलेगा। वो अगर आप लोग ने कर लिया कि भाई कैसे ग्रो कर रहे हो विद अ मिनिमम प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, रेट ऑफ ग्रोथ दैट अ कंपनी कैन सस्टेन विदाउट हैविंग टू फाइनेंस विद एडिशनल इक्विटी और डेट। एडिशनल फाइनेंस के बिना अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। प्लानिंग ऑफ अ हेल्दी कॉर्पोरेट नेटवर्क, वर्क लाइफ बैलेंस है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, टारगेट डिविडेंड रेशियो है, सेल्स अगर आपका रैपिडली इंक्रीज हो जाए तो दैट अगेन इज अ वेरी गुड थिंग। सो ऑल ऑफ दीज थिंग, सो इंक्रीज सेल्स, डिविडेंड कितना दे रहे हो वो प्लान से प्लान होना चाहिए, जो आपके रिसोर्सेज है दे शुड बी यूज इन अ प्रॉपर मैनर, कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट न्यू इक्विटी आप प्रॉपरली मेंटेन कर लो, वर्क लाइफ बैलेंस को आप लोग मेंटेन कर लो, ऑल ऑफ दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी। गॉट इट एवरीबॉडी, डन। फिर बाद में आता है SGR विच इज ग्रोथ। अब अगर आप लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर पढ़ा है तो उसमें ग्रोथ का एक फॉर्मूला है, ROE इन टू बी, सो 1 माइनस डिविडेंड रेशियो, मतलब जो रिटेंशन है उसके ऊपर आप कितना रिटर्न ला रहे हो, दैट विल डिटरमाइन योर ग्रोथ। क्योंकि आप जो पैसा रिटेन कर रहे हो, जो शेयर होल्डर को नहीं दे रहे हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको ग्रोथ लाके दो। अदरवाइज तो उनसे अच्छा, तो अगर वो आपसे अच्छा बेटर कमा सकते तो आप उनको डिविडेंड के फॉर्म में ही दे देते, बट यू नो कैन यू कैन री इन्वेस्ट इट बेटर, सो यू विल इन्वेस्ट एंड ग्रो द कंपनी। ROE इन टू बी, बी इज नथिंग बट योर रिटेंशन रेशियो। फिर बाद में आता है, तो मेंटेन अ कैपिटल टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट इशूइंग न्यू इक्विटी, तो आप ग्रो कर पाओगे। सेम कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट इक्विटी एंड हायर लेवल ऑफ सेल्स, हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, तो आप ग्रो कर पाओगे। एक डिविडेंड पेमेंट रेगुलर बेस पे होते रहेगा, इंक्रीज सेल्स, तो ये सब अगर आप लोग ने कर लिया तो ग्रोथ हो पाएगा। हाउ टू बिकम फाइनेंशियली सस्टेनेबल, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो इन जनरल पता है एक अपना पब्लिक इमेज अच्छा होना चाहिए, वन वे ऑफ जनरेट, वन मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ, पब्लिक इमेज गुड होना चाहिए, बी क्लियर अबाउट वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। सो ये सारी अगर पांचों चीजें अपन लोग ने प्रॉपरली मैनेज की तो वी विल बिकम फाइनेंशियली सस्टेनेबल। कैसे, एक से ज्यादा इनकम, एक ही इनकम में रिलाई करोगे और वो बंद हो गई तो, राइट, मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू गेट देम रेगुलरली, एक पब्लिक इमेज अच्छा होना चाहिए, एंड बी वेरी क्लियर अबाउट वैल्यू एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। वॉट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एनवायरमेंट शुड बी गुड, अट्रैक्ट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ, सेम पॉइंट्स है, एडिक्वेट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एबल डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिवनेस एंड गेट कम्युनिटी सपोर्ट फॉर इन्वॉल्वमेंट इन वर्क। सो दिस इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी। इसी के साथ ये चैप्टर वन जो बहुत ही टिपिकल थ्योरी चैप्टर है वो भी हो गया, एक बार आप लोग वापस से इस 15 मिनट सुन लेना, हो गया। सो 15 मिनट्स में पूरा का पूरा ये चैप्टर तुम लोगों को ऑलमोस्ट सेट करवा दिया है, क्या बोलते हो, राइट। सो दिस इसमें अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बोला था, एक ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट देख लेना, हाउ टू बिकम फाइनेंशियली सस्टेनेबल, ये दूसरा पॉइंट, स्ट्रेटेजीज एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, मिड लेवल एंड फंक्शनल लेवल, फाइनेंशियल किधर गया, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी देख लेना, एंड एडवांस रोल ऑफ CFO इन वैल्यू क्रिएशन देख लेना। सो डन विद दिस फाइनेंशियल पॉलिसी चैप्टर, ऑलमोस्ट विद इन
10 to 15 मिनट्स डन। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर विच इज नथिंग बट योर रिस्क मैनेजमेंट। चलो फटाफट उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट के पास मेरे पास तीन बहुत सारे रिस्क है जिसको मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ। सबसे पहले है मेरा स्ट्रैटेजिक रिस्क, रिस्क इन बिजनेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। नोकिया ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया और इसके लिए स्मार्टफोन नहीं लेकर आया एंड देयरफॉर नोकिया वाज आउट ऑफ द बिजनेस इवन आफ्टर हैविंग 40% ग्लोबल मार्केट शेयर। न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटरिंग द मार्केट, कोडैक ने डिजिटल कैमरा इंट्रोड्यूस नहीं किया, कैनन और निकॉन ये सब आते गए एंड दे कॉम्पिटेड इन अ बेटर मैनर। शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड, जेरोक्स से अभी लेजर प्रिंटिंग के ऊपर आ गया एंड इंक्रीज इन रॉ कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल। सो दीज आर ऑल स्ट्रेटेजिक रिस्क। क्या न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस, न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट, शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क। फिर बाद में आ जाता है मेरा कंप्लायंस रिस्क। एवरी बिजनेस शुड एंश्योर दैट दे आर कंप्लाइंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज अगर वो नहीं कंप्लाई किया तो जैसे कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे फीस पेनल्टीज है, दैट कैन ऑल्सो हैपन टू यू। सो नॉन कंप्लायंस लीड्स टू पेनल्टीज, फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। डिविजन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क देखो तीन रिस्क है, स्ट्रेटेजिक, कंप्लायंस, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिस्क में बहुत सारे डिविजन होते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑपरेशनल रिस्क है। सो ऑपरेशनल रिस्क क्या क्या है, मैनेज अगर डे टू डे प्रॉब्लम्स नहीं मैनेज कर पाए, पीपल प्रोसेस को मैनेज नहीं कर पाए, इट्स अ ऑपरेशनल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्राइजेस, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेटिंग है, इंटरेस्ट रेट को मैनेज नहीं हो पाया, ऑल ऑफ दैट। काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी ने पैसा टाइम पे नहीं दिया तो वो भी एक रिस्क है। रिस्क अगर ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय द काउंटर पार्टी, जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है, जैसे फेलियर टू डिलीवर गुड्स है, फेलियर टू डिलीवर मनी है, ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट द काउंटर पार्टी रिस्क। फिर बाद में आता है पॉलिटिकल रिस्क। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो इन्वेस्टर्स बेसिकली फेस करते हैं इस मोमेंट। सो अभी से फॉर एग्जांपल इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इंडिया और चाइना बोलेंगे भाई हम लोग दोनों के बीच में कोई टाइज नहीं है। अब अगर ऐसा सिचुएशन होता है देन देयर इज अ रिस्क फेस बाय द ओवरसीज इन्वेस्टर, जो इतना सारा चाइना के साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे, दैट कैन गो फॉर अ टॉस। ओवरसीज प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ करेंसी में रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, आप वो करेंसी में बोरो नहीं कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क हो गया, समझ गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, समझ गया। पॉलिटिकल रिस्क में याद रखना ओवरसीज प्रॉपर्टीज, ओवरसीज बिजनेस, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कैन गेट अफेक्टेड, ओवरसीज बोरोइंग्स कैन गेट अफेक्टेड। सो स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट अलग अलग है, तो उसके जैसे बैंक्स को कई बार ये इंटरेस्ट रेट फेस रिस्क फेस करना पड़ता है ड्यू टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन चेंज इन एसेट लायबिलिटीज मैनेजमेंट, राइट। सो दैट्स इंटरेस्ट रेट रिस्क। करेंसी रिस्क, ऑब्वियसली चेंज इन रेट ऑफ करेंसी, रूपी डेप्रिसिएट, रूपी अप्रिसिएट, ऑल ऑफ दैट। लिक्विडिटी रिस्क, अगर इनएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज इट्स लायबिलिटीज, तो जो जो कितनी सारी कंपनीज बंद हो गई है बिकॉज दे आर लायबिलिटीज एक्सीडेड दे आर एसेट्स, अनएबल टू जनरेट कैश, prevalent in banking business. Evaluation of financial risk. Stakeholders point of view से वो आपको कभी भी check करके देगा भाई debt ratio कम होना चाहिए, company point of view से excessive borrowing नहीं होना चाहिए, government point of view से downgrading of bank and financial institution. फिर बाद में एक और नया concept आता है जिसको बोलते हैं value at risk, कि भाई maximum आपको कोई investment किया है तो कितना loss हो सकता है, be prepared for that. So measure of risk of investment, estimate how much an investment might lose. तो वार फोकस इज ऑन टू थिंग्स, क्या वर्स्ट केस है एंड आपका लॉस पर डे कितना है। स्टैटिस्टिक दैट क्वांटिफाइज द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल फाइनेंशियल लॉसेस विद इन द फर्म, एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल फाइनेंशियल लॉसेस, कितना मैक्सिमम फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है, वर्स्ट केस सिनारी, लॉस पर डे मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एट रिस्क। क्या क्या उसके फीचर्स एक बार देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड के बेसिस पे उसका कैलकुलेशन होता है। टाइम होराइजन, वन डे में कितना मैक्सिमम लॉस, वन वीक में, वन मंथ में कितना, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका, वो रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे, जेड स्कोर क्या है उसका, वो कैलकुलेशंस में आता है। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो जैसे पता करना हो मेरे को ट्रेडिंग में कि कितना मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है पोर्टफोलियो में,
एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट कि भाई ट्रेडिंग में कहाँ पे हो सकता है, फिक्स द लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस. तो से फॉर एग्जाम्पल जो से मोतीलाल ओसवाल है या ये सब जो बड़ी बड़ी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है तो उनमें जो काम करते हैं उन लोगों को एक यहाँ पे दिया जाता है कि भाई ठीक है आप मैक्सिमम इतना लॉस कर सकते हो तो आपका वार क्या है दे शुड नो. एनेबल मैनेजमेंट टू डिसाइड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए भी वार कैन बी यूज. अब आ जाता है यहाँ पे कि भाई क्या क्या काउंटर पार्टी रिस्क है एंड उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो. फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस आ गया, हॉस्टाइल एक्शन, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी या फिर सामने वाला इनसॉल्वेंट हो गया, तो ऑल ऑफ दिस इज अ काउंटर पार्टी रिस्क जिसके लिए आप क्या कर सकते हो. यस यू विल ट्राई टू इंश्योर कि बॉस मैं प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करूं इन्वेस्ट करने के पहले, अगर उसके पास नेसेसरी रिसोर्सेज है कि नहीं वो मैं ड्यू डिलीजेंस कर लूं, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है गवर्नमेंट का, फॉरेन गवर्नमेंट हॉस्टाइल तो नहीं है, राइट वो सब चीजें, कोई सामने वाला पार्टी पहले इंसॉल्वेंट तो नहीं हुआ हुआ है, ऑल ऑफ दैट. डू नॉट ओवर कमिट फ्रॉम अ टू अ सिंगल एंटिटी. एक्सपोजर लिमिट्स, रिव्यू द लिमिट्स एंड प्रोसीजर. यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट्स. रैपिड एक्शन, अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो आप क्या एक्शन लेने के लिए रेडी हो. यू हैव टू बी रेडी विद योर एक्शन. सो यू हैव टू ऑलवेज बी रेडी विद अ प्लान बी. परफॉर्मेंस का गारंटी सामने वाले से अश्योर कर लो, ठीक है ना. तो आप अगर किसी को कुछ भी पैसा दे रहे हो या कुछ भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो परफॉर्मेंस गारंटी अश्योर कर लो कि भाई कुछ अगर डिफॉल्ट हुआ तो आपका परफॉर्मेंस का गारंटी हो जाता है, कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो. अगर कोई इवेंट होता है तो रैपिड एक्शन आप क्या लेने वाले हो, क्या लिमिट्स है अपना, क्या प्रोसीजर्स है इन केस एनीथिंग गोज आउट ऑफ हैंड. और कोई भी चीज का ओवर कमिटमेंट तो कभी देना ही नहीं चाहिए एंड ड्यू डिलीजेंस शुड ऑलवेज बी कैरिड आउट. पॉलिटिकल रिस्क क्या है, जैसे मालदीव्स वाज बैंड बाय इंडियन टूरिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग कमेंट बाय मालदीव्स गवर्नमेंट. आज मालदीव्स गवर्नमेंट इज बिहाइंड अस एंड टेलिंग दैट प्लीज एंश्योर दैट थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ इन अ प्रॉपर मैनर. सो एक्शंस, इंसिस्टेंस ऑन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी, प्राइस फिक्सेशन, एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय द लोकल गवर्नमेंट. तो अगर आप लोग ने कोई पॉलिटिकल रिस्क हुआ तो चाइना के साथ अगर अपना प्रॉब्लम हुआ देन इन दैट केस, जैसे बांग्लादेश में अभी प्रॉब्लम हो गया था, सो वैसा अगर कुछ होता है तो कन्वर्जन करेंसी में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, प्राइस विद इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, फॉरेन एसेट्स लोकल गवर्नमेंट आपका एक्सप्रोप्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है. क्या कर सकते हो, उससे अच्छा लोकल करो, वोकल फॉर लोकल. ज्वाइंट वेंचर एंटर करो जहां पे और भी एंटिटीज इन्वॉल्व हो, लोकल फाइनेंसिंग करो, प्रायर निगोसिएशन करके रखो सो दैट आगे जाके प्रॉब्लम ना हो. इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या क्या चीजें आती है सिर्फ ध्यान में रखना है. मॉनिटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट गवर्न होता है बिकॉज मॉनिटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कम होगा. एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट सच एज डीमोनेटाइजेशन, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है. इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेटा कितना अच्छा है उससे इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है. यस, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट चेंजेस की वजह से भी इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है. एंड देन लास्ट है मेरा करेंसी रिस्क. गवर्नमेंट एक्शन से इंटरेस्ट रेट से, याद करो इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट से, याद करो इंटरेस्ट रेट पैरिटी, याद करो परचेसिंग पावर पैरिटी. सो इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ करेंसी रिस्क. नेचुरल कैलामिटीज, वॉर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस कैन ऑल्सो रिजल्ट इन करेंसी रिस्क. क्या आप लोगों को सब समझ में आ गया. सो दीज आर द रिस्क दैट आर इन्वॉल्व. क्या रे वो करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क के अंदर इंटरेस्ट रेट पैरिटी वाला इंटरेस्ट की वजह से, परचेसिंग पावर पैरिटी वाला इन्फ्लेशन की वजह से, गवर्नमेंट एक्शन, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से अगर कोई रिस्क हुआ हो तो, वॉर की वजह से, चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से. इंटरेस्ट रेट की का रिस्क में क्या क्या आता है, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेटा की वजह से कुछ चेंजेस है, स्टॉक मार्केट की वजह से कुछ चेंजेस है. सो दैट इज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क. करेंसी रिस्क हो गया है, पॉलिटिकल रिस्क इज डन, काउंटर पार्टी रिस्क समझ में आ गया है उसको कैसे मैनेज करना है, डन. इसमें आने का चांसेस है एक वायर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैं अलग से मेरे प्रैक्टिकल वाले सेशंस में करवा ही दूंगा, करवा ही दिया है. सो दैट इज व्हाट कैन बी डन. चलो क्लियर एवरीबॉडी. सो विद दिस वी कंप्लीट
दिस चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। अब आ रहे हैं अपन लोग अपने लास्ट चैप्टर के ऊपर विच इज कॉल्ड एज द सिक्योरिटी एनालिसिस। फटाफट आ जाएंगे इसके ऊपर, चलो आ जाओ। सो यहाँ पे सिक्योरिटी एनालिसिस में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरा होता है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में तीन पार्ट होते हैं, एक इकोनॉमिक एनालिसिस, उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक, टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक, दूसरा इंडस्ट्री एनालिसिस, फैक्टर्स उसका और उसका भी सेम टेक्निक्स यूज्ड। फिर बाद में आता है लास्ट में कंपनी एनालिसिस, उसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स है। आओ इधर देखो। सो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में दो चीजें होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो क्या फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमिक एनालिसिस अफेक्ट होता है? इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब ओवरऑल पूरा मैक्रो इकोनॉमी, आपका इंडिया का इकोनॉमी किस चीज की वजह से फर्क पड़ता है बोलो? इन्फ्लेशन की वजह से। यस, इन्फ्लेशन का डेटा क्या है, कितना अपना इन्फ्लेशन अपनी कंट्री में बढ़ गया है, मानसून कैसा आया है, बिकॉज इंडिया इज स्टिल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो मानसून का बहुत फर्क पड़ता है अपने यहाँ पे। सो इन्फ्लेशन है, मानसून है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा ग्रो कर रहा है, नेशनल इनकम अपना कितना, ऑल ऑफ दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस। क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं उसके लिए? तो एंटीसिपेटरी सर्वे कर लो, बैरोमीटर अप्रोच, इसके अंदर लीडिंग इंडिकेटर है, रफली कोइंसिडेंटल इंडिकेटर है एंड लैगिंग इंडिकेटर्स है। यू कैन ऑल्सो यूज द इकोनॉमिक बिल्डिंग मॉडल, बिल्डिंग अप्रोच। फिर आदमी आ जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस, इसके अंदर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देख लो आप, देखो पहले था इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में मैक्रो लेवल पे क्या क्या होता है, इन्फ्लेशन है, मानसून है, नेशनल इनकम का डेटा है, ग्रॉस जीडीपी है, वो सब चीज है, राइट? उसके लिए आप टेक्निक्स यूज करोगे, एंटीसिपेटरी सर्वे, लीडिंग लैगिंग अप्रोच, पैरामीटर अप्रोच, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच, ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पे इंडस्ट्री आ गया और इंडस्ट्री के बाद लास्ट में कंपनी आ गया। अभी फिलहाल इंडस्ट्री के लेवल पे देखो तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिमांड सप्लाई का क्या सीन है, क्या कोई बैरियर्स टू एंट्री है क्या अपने इंडस्ट्री में, अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है अपने इंडस्ट्री का, डिमांड सप्लाई कोई गैप है क्या, स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री, कॉस्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च क्या है, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस। फिर है कंपनी एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स। सो नेटवर्थ एंड बुक वैल्यू, सोर्सेज फंड्स क्या, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, ग्रोथ रिकॉर्ड क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बराबर है कि नहीं कंपनी का। ये देखो नीचे आते आ रहे, पहले इकोनॉमी लेवल पे किया, अब इंडस्ट्री लेवल पे किया कि इंडस्ट्री का डिमांड सप्लाई क्या, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितना बड़ा है आपका, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर अपना गवर्नमेंट अभी बहुत मेहरबान है, डिमांड बहुत अच्छा है इकोनॉमिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, राइट? तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर ईवीज, बैरियर्स टू एंट्री है बिकॉज टेक्नोलॉजी सेटअप करना इतना ईजी नहीं है, कॉम्पिटेटिव अभी फिलहाल नहीं है, धीरे धीरे एवरीबडी विल एंटर इट, सो इट विल बिकम कॉम्पिटेटिव। वॉट आर द कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर बाद में आ जाते हैं यहाँ पे कंपनी, अब और लेवल पे। सो यहाँ पे इंडिया का इकोनॉमी, ऑटोमोबाइल कंपनी का इंडस्ट्री एनालिसिस, उसके अंदर अगर आपको देखना है टाटा ईवी कैसा चल रहा है, वो आ गया कंपनी एनालिसिस वैसा, कि भाई नेटवर्थ क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, ग्रोथ कैसा है, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या सीन है, ऑल ऑफ दैट, मार्केटेबिलिटी, लेबर रिलेशंस कैसा है, ऑल ऑफ दिस कैन आई से इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स। डन। फिर बाद में आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में अब आप फंडामेंटल को छोड़ देते हो, इट इज ऑल बेस्ड ऑन इमोशंस, इट इज ऑल बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, क्योंकि उनका मानना है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, प्राइसेस मूव्स इन ट्रेंड्स, मतलब इमोशंस के बेसिस पे प्राइसेस का मूवमेंट हो रहा है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब मार्केट विल कंसिडर एवरीथिंग, शेयर प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन प्राइस ग्राफ्स, अजम्पशन दैट शेयर प्राइस ट्रेंड्स आर रिपीटेटिव सिंस इन्वेस्टर साइकोलॉजी फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, इस हिसाब से होता है ये टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर बहुत सारी थियोरी है, सबसे पहली थियोरी है मेरी डाओ थियोरी। डाओ थियोरी बोलता है दैट आपको पास तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मूवमेंट, एक होता है सेकेंडरी मूवमेंट, एक होता है डेली फ्लक्चुएशंस।
प्राइमरी मूवमेंट आपको ओवरऑल ट्रेंड बताता है। इंडिया का निफ्टी का प्राइमरी मूवमेंट हैज बीन पॉजिटिव, हैज बीन ग्रोथ, बिकॉज आप अगर आप लास्ट 1 ईयर टू 36 मंथ्स देखोगे तो ओवरऑल ऊपर ही है, नीचे जाता है बीच में थोड़ा बहुत, वो सेकेंडरी मूवमेंट होता है। सी सो प्राइमरी मूवमेंट क्या बोलता था आपको कि भाई टोटल बुलिश इन नेचर है, बुलिश मतलब ऊपर ही जा रहा है, बट सेकेंडरी मूवमेंट थोड़ा सा उसको करेक्शन ले आएगा, फिर वापस प्राइमरी मूवमेंट उसको ऊपर खींच लेगा, फिर सेकेंडरी मूवमेंट उसको नीचे ले आएगा। ओवरऑल द प्राइमरी मूवमेंट्स आर ऑन अ पॉजिटिव साइड। वही अगर मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका की बात करूं, दे आर प्राइमरी मूवमेंट्स ओवर लास्ट 1 ईयर टू 6 मंथ्स इज नेगेटिव, डाउनफॉल, बट कभी कभी वो लोग भी ऊपर चले जाते हैं फिर वापस। अगर वॉर सिचुएशन हुआ देन इन दैट केस पाकिस्तानी इकोनॉमी विल फ्राई, बराबर है? तो वहां पे जब वॉर होता है तो अपने इंडिया में करेक्शन आएगा, पाकिस्तान में पॉजिटिव हो जाएगा फिर बाद में वापस सब वॉर सेटल हो गया, वापस अपना इकोनॉमी ऊपर, गॉट इट गाइस? वैसा तो सेकेंडरी मूवमेंट शॉर्टर देन प्राइमरी एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड डेली फ्लक्चुएशन क्या होता है, नैरो मूवमेंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, गॉट इट? फिर तो मेन इसमें ध्यान में क्या रखना है, डाउ में प्राइमरी सेकेंडरी डे टू डे फ्लक्चुएशंस ओरिजिनेटेड बाय चार्ल्स डाउ, नाम याद रख लेना, हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, कैसा है आपका, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ओवरऑल बुलिश है या बेरिश है, वो अपने को देखना है। फिर बाद में आ जाता है इलियट वेव थियोरी। सो इलियट में यहाँ पे क्या करता है, वेव्स बनते हैं, वेव्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, दो तरह के वेव्स है, एक है बेसिक वेव, दूसरा है करेक्टिव रिएक्शन, करेक्टिव पैटर्न्स या रिएक्टिव वेव्स। सो इंपल्सिव वेव्स में 3 to 5 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट होते जाएंगे एंड बीच में करेक्शन वेव्स आते जाएगा। सो ये इंपल्सिव है, ये करेक्शन है, ये इंपल्सिव है, करेक्शन है, ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो थिंग्स हैव मूव्ड अप। रैल्फ एलियट ने बनाया था, ये डिफाइंस प्राइस मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड एलियट वेव थियोरी नाम दिया है उसने उसको, राइट? रिपीटेटिव पैटर्न्स के हिसाब से बना है डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न। सो इसमें पता चलता है आपको, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है आपको बुल फेज है, तो क्रिएटिव रिएक्शन वेव्स थोड़ा आपका फॉल गिराएंगे ऐसा। नेक्स्ट बाद में आता है रैंडम वॉक थियोरी। रैंडम वॉक बोलता है कि एवरीथिंग इन द मार्केट इज रैंडम, प्राइस ऑफ शेयर कैन बी नेवर बी प्रिडिक्टेड, द रीजन इज दैट प्राइसेस ट्रेंड्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर्स, बट वो लोग बोलते हैं सब पास डेटा के ऊपर है। सो दैट्स हाउ इट वर्क, देयर मे बी पीरियडिकल अप्स एंड डाउन्स बट नो कनेक्शन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, says that stock prices are not dependent on each other, ये same point लिख के आ जाना। फिर बाद में आ जाता है efficient market theory। efficient market theory बोलता है that all information is freely and instantaneously available, कोई tension का बात नहीं है, इसको बोलते हैं efficient market। market कब efficient है, developed countries का market efficient है, क्यों? क्योंकि वहां पे information is freely available for everyone, it is in public domain, कोई भी कभी भी all participants can be used, correct? फिर नेक्स्ट, कीन कंपटीशन अमंग द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंश्योर्स दैट मार्केट विल रिफ्लेक्ट इंट्रिंसिक वैल्यूज। जितना एफिशिएंट होगा मार्केट उतना मार्केट का जो प्राइस है वो उसका रियल वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा। सो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी बोलता है दैट अगर इंफॉर्मेशन इज फ्रीली इंस्टेंटेनियसली अवेलेबल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स देन द चांसेस आर दैट इट विल रिफ्लेक्ट इंट्रिंसिक वैल्यूज, समझो, एंड प्राइस ओनली price change only responds to the new information that is unrelated to previous information, therefore unpredictable. So these are the 3 points of efficient market theory. Kuch misconceptions, investor cannot earn consistent long-term profit. Kyun? Kyunki unko lagta hai sabke paas info available hai. Toh profit kaise kamayega? But aisa nahi hai, they will still earn. Price cannot reflect fair value as the future is uncertain. Again, future uncertain hai, toh bhi price can deflect fair values if all the information is available. Inability of institutional portfolio managers to achieve superior investment performance. So इनको लगता है कि long term में भी आप नहीं कमा पाओगे, portfolio manager भी superior performance नहीं कमा पाएगा. And random movement of stock price suggests that stock market is irrational. अब random ने तो बोल दिया कि market का कोई connection ही नहीं है किसी भी चीज के साथ, वो तो irrational है. So again, that can also be a misconception. कि भाई इसकी वजह से market बराबर move ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं. So these are the misconception. Level of market efficiency 3 तरह की होती है. एक होती है weak form of efficiency, जो underdeveloped countries है ना उसमें weak form of efficiency होती है, क्योंकि यहाँ पे all information नहीं है, खाली past data available है. Semi होता है developing वाले, यहाँ पे price reflect not all information found. एंड फिर होता है स्ट्रॉन्ग, ये होता है
developed, reflect all information, public as well as private. So strong form of efficiency, public भी है, private भी है. Weak form of efficiency, खाली past data. Semi strong of efficiency, recent data आपके पास है. जैसे ये India, India is a developing, तो semi strong efficiency है. America में strong, all information, public, private, सब information आपके पास available है. But weak form में खाली past information available है आपके पास. Challenges to efficient market theory. कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन एडिक्वेट नहीं है, इरेशनल बिहेवियर है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस है, तो आप एफिशिएंट मार्केट को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे. फंडामेंटल और टेक्निकल का डिफरेंशिएशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन कम इन द एग्जाम, सो इसको प्लीज प्रॉपरली करेंगे. सो क्या आइए, फंडामेंटल में आप जीडीपी देखते हो, मैक्रो फैक्टर्स देखते हो, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे पढ़ा ना, वो सारे वर्ड्स इधर लिख लो, बराबर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए. टेक्निकल इज ऑलवेज फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग. प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइजेस, हिस्टोरिकल मार्केट डेटा सच एज देयर प्राइस मूवमेंट्स, वॉल्यूम्स, ऑल ऑफ दैट. फिर चार्टिंग टेक्निक्स, ये भी खाली इसके मेन मेन हेडिंग्स याद रखेंगे. एक होता है लाइन चार्ट, सॉरी, एक होता है लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज कैंडल स्टिक, पॉइंट एंड फिगर चार्ट. खाली ये मेन याद रखो, एमसीक्यू में आया तो लिख सकते. प्राइस पैटर्न्स तीन चार पता होने चाहिए. एक होता है अपवर्ड चैनल, डाउनवर्ड चैनल, हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, और उधर मैंने लिखा भी है, हेड एंड शोल्डर्स में यू आर बेरिश, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स में यू आर बुलिश. गैप, गैप अप, गैप डाउन होता है, डबल टॉप फॉर्म, फिर बाद में डाउनवर्ड चैनल, अपवर्ड चैनल एंड वेज. ये चार पांच भी याद रह गए तो बहुत है. मार्केट इंडिकेटर्स में आपके पास क्या क्या आएगा, सो RSI, RSA, रिवेलेंस स्ट्रेंथ एनालिसिस, ऑड लॉट थ्योरी, कॉन्फिडेंस इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ब्रेथ इंडेक्स. ये खाली आप लोग ओवरऑल बेसिस पे खाली इसका जो मेन हेडिंग है ध्यान रखते हो कि मैं मार्केट इंडिकेटर्स में ब्रेड, इसका बहुत एक्सप्लेनेशन टाइप नहीं आएगा, एमसीक्यूज में या दो तीन मार्क के लिए आ सकता है. व्हाट आर द इंटरप्रेटिंग प्राइस पैटर्न्स एंड मार्केट इंडिकेटर्स, ब्रेड इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कॉन्फिडेंस. अभी इसका डिटेल चाहिए तो मेरा डिटेल वीडियो बनाया मैंने, एक एक चैप्टर का पूरा डिटेल वीडियो बनाया, वो आप लोग सुन लो तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा. कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में डिटेल में सुनना है, उसका पर्टिकुलर मैंने बना दिया है, कोई टेंशन नहीं, बस समझ में आ गया. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. मार्केट इंडिकेटर्स में ब्रेथ इंडिकेटर्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कॉन्फिडेंस इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड ऑड लॉट थियरी. चलो, विद दिस आई कंप्लीट द होल चैप्टर, फाइव चैप्टर, सिक्योरिटाइजेशन, एवरीथिंग डन विद इन 1.5 hours अप्रोक्सीमेटली. क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम के लिए आपको ये एकदम यूजफुल होना चाहिए, दो तीन बार रिवाइज तब तक हो जाना चाहिए. एग्जाम के दिन पे भी शायद आ जाए मेरा एक क्विक फायर रिवीजन वीडियो, वो एक घंटे का, आधे घंटे का होगा, उसमें तो एकदम धमाल ही मच जाता है. चल एनीवेज, सो मार्केट इंडिकेटर्स, प्राइस पैटर्न्स डन, चार्टिंग टेक्निक्स, एलियट वेव थियोरी, डाउ जोन्स, मार्केट एफिशिएंसी, ये सारी चीजें, रैंडम वॉक थियोरी, सब याद है अभी. अब दो तीन बार सुनेंगे तो पॉइंट्स भी अपन लोग एग्जाम में लिख पाएंगे एंड दैट विल बी मोर देन सफिशियंट. मजा आ गया, मेरे को भी मजा आ गया. And actually 1.5 hours अपना अच्छा fruitfully utilize भी हो गया. And we are done. Do let me know in the comments कैसा लगा आपको session. और आपको कोई particular topic के ऊपर ऐसा ही कुछ session चाहिए तो भी मुझे बताइए. I will be more than happy to take it. बाकी सो चीजें काफी सारी मैं डाल ही रहा हूँ. So I'm sure it will be useful to you. Telegram channel पे जुड़ जाइएगा, comment box में मैं दे रहा हूँ. Because Telegram channel पे हम लोग MCQs ले रहे हैं. Again can be used, can come in the exam. So yes. गजब, वेरी वेरी गजब. ओके, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बस ऐसे ही कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल एंड थिंग्स विल बी परफेक्ट. चल, करते रहो मेहनत, करते रहो मेहनत, करते रहो, अप्स एंड डाउन्स आएगा. ये देखो अपना ये उसके जैसा है, एलियट वेव थियरी बोल लो या डाउ जोन्स बोल लो, चार दिन अच्छा पढ़ाई होगा, थोड़ा सा बीच में एक डाउन आएगा. अब ये इसको ज्यादा मत अफेक्ट होने दो, इधर तक मत खींचने दो. ये हुआ एक दिन खराब, चल वापस से ऊपर खींच लिया, फिर एक दिन थोड़ा खराब हुआ चलेगा, फिर वापस खींच लिया, फिर एक दिन थोड़ा खराब हुआ फिर वापस खींच लिया. तो डाउ जोन्स थियरी अपने को यार यही तो बता रहा है, जिंदगी तो बता रहा है कि देखो ओवरऑल मैं यहां पे था, अब मैं यहां पे पहुंच गया, मैं यहां पे 10 पे था, अब मैं 20 पे पहुंच गया. बट ऐसा नहीं है कि ये 10 पे से 20 पे मैं जब पहुंचा हूं तो बस मैं ऊपर ही जाता गया हूं, नीचे भी गया हूं, ऊपर ही नहीं गया हूं नीचे भी गया हूं बीच में, बट वापस ऊपर खींच लिया.
नीचे भी गया हूं बट वापस ऊपर खींच लिया, इवेंचुअली 10 to 20 तक पहुंच गया। क्रेडिट डिफॉल्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या सर इन डेरिवेटिव्स? यस, तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप पे मैंने बनाया भी है पूरा थियोरी, प्लीज उसको देख लेना, आई थिंक उतना कर लिया तो सफिशियंट हो जाएगा। स्वॉप्स का थियोरी चाहिए? ओके गुड पॉइंट जीतू, आई विल गिव इट टू यू, डोंट वरी, स्वॉप्स का थियोरी मैं दे दूंगा, गुड पॉइंट। और कुछ चाहिए आपको? सो मेरा बर्थडे वाला जो आप लोगों को प्रॉमिस था वो कंप्लीट हुआ विद इन 2 आवर्स। ओके बस ऐसे ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहो हमारे डाउ जोन्स की तरह एंड आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।